तो कल हम जिस स्कीम पर थे वो थी अमृत। अमृत हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है, नीति आयोग की एक योजना है। इसकी फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन फोकस। ठीक है, ये अटल मिशन, ए अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, अमृत, आर फॉर रिजुविनेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अटल मिशन तो आप याद रखेंगे ही। रिजुविनेशन मतलब पूर्णोद्धार, जीर्णोद्धार, कि किसी पुरानी चीज को दोबारा से उसे ठीक किया जाए और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। ये इस स्कीम का फोकस है, अमृत स्कीम का, जिसके तहत जो है शहरों को और जो हमारे उनके नागरिक हैं उनको बेहतर सेवाएं प्रदान की जाए। इसके अलावा हर घर में जो नल के द्वारा पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए, सीवेज कनेक्शन सुनिश्चित किया जाए। आप लोग अपने क्लास के बाद ये काम करेंगे, ये देखेंगे कि हमारे देश में ड्रिंकिंग वाटर कवरेज कितना है अभी, हाउस होल्ड कवरेज और सीवेज कवरेज कितना है, इस परसेंटेज को देखेंगे और मेमोराइज करेंगे, मुझे भी शेयर करेंगे। ठीक, हमारे देश में अभी कितने घरों में सीवर का कनेक्शन, सीवर का कनेक्शन कितने घरों में अभी तक मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीनरी को, हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा। पॉल्यूशन को कम किया जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़कर पॉल्यूशन को कम किया जाएगा और कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज को, कंस्ट्रक्टिंग फैसिलिटीज को बनाया जाएगा जिसके द्वारा कम प्रदूषण को किया जा सके। जितने भी शहर हैं जो 1 लाख से ज्यादा आबादी के हैं, ठीक है, उनकी म्यूनिसिपैलिटी के साथ और कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ जो है इनको इसके अंदर कवर किया जाएगा, चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड हो या म्यूनिसिपैलिटीज हो, वो इसमें कवर की जाएंगी। कैपिटल सिटीज और टाउन्स ऑफ स्टेट यूटीज इसमें नहीं कवर्ड है। सभी जो हेरिटेज सिटीज हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हृदय स्कीम के तहत, ये चीज चेक करेंगी, नीड टू चेक। ये हेरिटेज सिटी इसके अंदर का कवर्ड है। और एक और स्कीम इसकी हेरिटेज सिटी की है जिसका नाम है हृदय स्कीम, हृदय स्कीम, हेरिटेज सिटीज के डेवलपमेंट के लिए। तेरे ऐसे राज्यों को चुना गया है इसके अंदर के जो कि नदियों के किनारों पर बसे हुए हैं, मेन मुख्य नदियों के किनारों पर बसे गए हुए हैं और जिनकी आबादी 75,000 से 1 लाख के बीच में है। इसके अलावा 10 शहरों को चुना गया है जो हिल स्टेट्स हैं, आइलैंड्स हैं या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। हमारी पुराने समय में इसी काम की स्कीम थी अर्बन रिन्यूअल के लिए, जिसका नाम था JNNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है,
50% जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल असिस्टेंस द्वारा दी जाएगी, जहां आबादी 10 लाख से ज़्यादा है और जहां 10 लाख से कम है, जहां आबादी 10 लाख से ज़्यादा है वहां प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1/3 सेंटर के द्वारा दिया जाएगा। तो ये हमारी अमृत स्कीम है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य है टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज, सस्टेनेबल शहर बनाना और इंक्लूसिव शहर बनाना। इंक्लूसिव शब्द आप लोगों को याद होगा, तो मैं अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जिसको ना पता हो वो पूछ सकता है, अगर किसी को ना पता हो, इसी उम्मीद के साथ कि सभी को ये शब्द याद होगा। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इस शब्द को याद रखिए, सस्टेनेबल शब्द को याद रखिए, कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे आंसर राइटिंग में हमारे काम आते हैं। स्मार्ट सिटी स्कीम का उद्देश्य है सस्टेनेबल और इंक्लूसिव शहर बनाना, उसके अंदर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना, जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें प्रोवाइड करना, जो नागरिक हैं उनके जीवन को और बेहतर करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के एलिमेंट, जिसको कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा बोला गया है, वो है ये 10 हिस्से हैं जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इसके ऊपर आप अपनी राय देना चाहेंगे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर? ये जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्या है, ये 10 पॉइंट को कोई एक्सप्लेन करेगा? सारे नहीं कर सकता, कुछ करिए। और लेट्स से किसको कहूँ, जॉनिशा, आपका आवाज आ रही है जॉनिशा? अंजू बर्थवाल, आवाज आ रही है? जो हमेशा अंजू बर्थवाल, किसी को आवाज नहीं आ रही? सलमान, मेरी आवाज किसी को आ रही है? वैसे तो जॉनिशा को, सलमान को, इनमें से किसी को एक बार ये कंफर्म कीजिए कि आपको आवाज आ रही है। जॉनिशा के, सलमान, तानिया, यस सर। तानिया तुम ये एक्सप्लेन करो कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सर ये एक ऐसी मतलब परियोजना है जिसमें डाटाबेस होता है, जिसमें सरकार अपने अंडर इसको निजी क्षेत्रों में और कंपनियों द्वारा बांटती है और उनको लागू करती है। इसलिए मैंने इसे कॉम्प्लिकेट नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? सर
सर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि किसी भी चीज को हम बना रहे हैं या किसी भी बड़े ढांचे को हम तैयार कर रहे हैं, तो उसका पहले छोटा रूप तैयार करना। ओके, और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ? सर की कोर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोले तो बुनियादी ढांचा। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा होता है, ढांचा होता है, चलो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा, चलो तो इसमें क्या क्या होगा और ये जो 10 पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं ये कैसे हमारे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनते हैं? सब मीन्स मतलब ये जो 10 पॉइंट्स दिए गए हैं इनको मतलब उस चीज में रखा जाता है। और अच्छे से एक्सप्लेन करो, चलो कोई नहीं, तैयारी कर लेना, कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। कोई और बताना चाहेगा कि ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या होता है और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो 10 एलिमेंट है समय कौन? सैफ, समय विनय। ओके विनय प्लीज करो, बताओ, सर। मैं शेयर कर रहा हूँ, दो। सर जैसा कि अभी आपने बताया, अर्बन में सॉरी अमरुद में हम सिटीज को मोर बेटर बनाने के लिए हम वो स्कीम चला रहे थे, और जिसमें ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी बेसिक नीड होगी। अब कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हमें ऑलरेडी मालूम है कि हमें एक सिटी को डेवलप बनाना है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले हमें ठीक करना होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ये कुछ बेसिक चीजें दी हुई हैं जिसके बिना एक सिटी स्टैंड ही नहीं कर सकती है, जैसे कि सॉलिड वाटर सप्लाई, अशोर्ड इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटाइजेशन, इफेक्टिव अर्बन मोबिलिटी, मोबिलिटी मीन्स लाइक वो आने जाने का बेटर रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हाउसिंग, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सबके पास अफोर्डेबल हाउस होने चाहिए, और जिसकी स्कीम भी चल रही है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कच्चे हाउस से पक्के हाउस की तरफ कन्वर्ट होने में। एंड यहाँ पर है रोबोस्ट आईटी कनेक्टिविटी, जैसे कि हम धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उससे आजकल हमारी बेसिक नीड में इंटरनेट भी आ गया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो विदाउट इंटरनेट हम आज नहीं कर सकते हैं, और इंटरनेट बहुत चीजों में हेल्प भी करता है। एंड गुड गवर्नेंस, किसी भी सिटी को अगर रन करना है, अगर उसमें गवर्नेंस ना हो तो उसका अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जब हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए कि उसको टेररिस्ट को भी या नहीं, तो अगर उस केस में गुड गवर्नेंस ही ना हो तो यहाँ पे कुछ भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, मीन्स सब कुछ अराजकता में बदल जाएगा। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है सेफली एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, तो गुड गवर्नेंस का यही काम होता है कि वो ये सारी चीजें तो प्रोवाइड करे ही करे, एंड सिटीजन के लिए लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखें। और यहाँ पे दिया हुआ है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। अब सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया है, मींस के हम एनवायरनमेंट्स को यूज तो मतलब एनवायरनमेंट से हम बहुत सी चीजें लेते हैं और यूज करते हैं, बट हमें इस वे में करना चाहिए कि वो फ्यूचर के लिए भी प्रिजर्व रहे, जिससे कि आने वाली जनरेशन को कोई ज्यादा दिक्कतें ना हो। हेल्थ एंड एजुकेशन, अब अगर हमारे पास ये सारी चीजें हो भी और हमारे पास हेल्थ एंड एजुकेशन ना हो तो भी इसका होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विदाउट हेल्थ हम कुछ नहीं कर सकते, एंड एजुकेशन भी हमारी बेसिक नीड ही है। गुड, अब तुम ये बताओ कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ? व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? सर इंफ्रास्ट्रक्चर वो है जिससे कि हम एक सिटी को या फिर स्टेट या कंट्री को मतलब ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, मतलब मोर कनेक्टिव बना सकते हैं विद अदर, बेटर प्लेस बना सकते हैं टू लिव देयर, ये होता है सर सस्टेनेबल का मतलब। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूछ रहा था कि
सॉरी सर, मैं उस पे चला गया। वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि मतलब वो जो मैंने बोला अभी कि हमें एक बेटर स्टेट या सिटीज और राष्ट्र जो बनाना है हमें, उसमें हमें कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती है, जैसे कि अश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, हाउस, ये जो चीजें दी हुई थी इसके ठीक लिए। यस सर। है, एक जन को और मैं बोलने का रिक्वेस्ट करूंगा, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बताओ कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। एक एक व्यक्ति और बोल सकता है, फिर हम शुरू करेंगे। बताइए ओके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आप क्या समझ पाए अभी तक। सर, बोलिए। मूल मूलभूत संरचना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसका क्या मतलब हुआ? मूलभूत संरचना एक मुश्किल शब्द है, सर इसका ये सब बेसिक नीड्स है पीपल के, जैसे वाटर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, तो इन सबको प्रोवाइड करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं वही मूलभूत संरचना। अब अपनी डेफिनेशन को दोबारा क्वालिफाई करो, क्या बेसिक नीड को हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं? नो सर, सर फिर बेसिक किस चीज को? बेसिक तो तब भी ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर। जो भी हमारी समाज की जरूरतें हैं, ठीक है, हर सोसाइटी की अपनी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है। हमने जैसे कब पिछली क्लास में भी बात की थी, एग्रीकल्चर हो गया या एजुकेशन, कोई भी चीज हमें चाहिए, हम खेती करना चाहते हैं, कंपनियां लगाना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, जितनी भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल नीड्स होती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक बुनियादी ढांचा होता है, जिसके ऊपर, जैसे हमने शरीर का भी उस दिन उदाहरण दिया था कि उस बुनियादी ढांचे के ऊपर हम चीजें चिपकाते जाते हैं और फिर उसके द्वारा हम वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बुनियाद में काम कर रहा है, तो जो ढांचा है वो होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसी को बनाने की, उसके कुछ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि किसी भी शहर के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के लिए कोई भी शहर, कोई भी टाउन, कोई भी जगह है, उसके जो बुनियादी काम करने के लिए उसके कुछ बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जरूर हमें इंश्योर करने चाहिए किसी भी शहर में। तो उसमें वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है कि बिजली आए, सैनिटेशन है, साफ सफाई, सीवर, सॉलिड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, अफोर्डेबल हाउसिंग, अच्छे घर हो विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए, आईटी कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन हो, गुड गवर्नेंस हो, जिसमें ई गवर्नेंस। अच्छा, ये गुड गवर्नेंस क्या चीज होती है? फिर चलेंगे ई गवर्नेंस में, व्हाट इज गुड गवर्नेंस? लेस गवर्नमेंट और मोर गवर्नेंस, लेस। हाँ गवर्नमेंट शायद। हाँ ठीक है, सर वो मतलब इसमें सर हाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और लो लो होना चाहिए, मतलब अच्छे मतलब लो से काम करे, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो गवर्नेंस हमारे समय की जरूरत है, ठीक है, सरकार का होना। हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि भाई सरकार है, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, निश्चित रूप से। तो सरकार इतनी बुरी होती है तो सरकार हमें चाहिए क्यों? सरकार को हम हटाई क्यों नहीं देते, मिटा देते हैं? नो सर, वो हमें गवर्न करती है हर चीज के लिए, लॉ एंड ऑर्डर। तो गवर्नमेंट चाहे अच्छी हो, मतलब इट्स ए नेसेसरी इविल, गवर्नमेंट के बिना हमारा अपना बहुत सारी बुनियादी चीजें नहीं होंगी। तो गवर्नमेंट हमारे लिए नेसेसरी इविल है, हमें पसंद आए ना आए उसको हमारे लिए आवश्यक है।
अब गवर्नमेंट में दो तरीके की गवर्नमेंट हो सकती है, बैड गवर्नेंस हो सकती है कि हम जितने नियम कानून है चीजें हैं वो बुरे तरीके से लागू करें या ना खराब करें। इवन मोनार्की में भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होती है। तो गुड गवर्नेंस डेमोक्रेसी में कैसी होनी चाहिए, तो ये हमारा गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है कि गुड गवर्नेंस में कुछ बुनियादी चीजें होनी चाहिए, जैसे पब्लिक सर्विस का एक एलिमेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, किसी ने बोला ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होती बिल्कुल है कि आप क्या कर रहे हैं, उसका क्या हुआ, आप में करप्शन नहीं होना चाहिए। तो जो बेटर गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, उसमें कई ऐसी चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए। यूजर फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए कि हर आदमी आसानी से उसको कर सके। तो गुड गवर्नेंस के लिए हमारे को ई गवर्नेंस का बड़ा योगदान है। अब ई गवर्नेंस क्या है? ये ट्रांसपेरेंसी लाता है। नहीं, पहले ये बात कहते हैं है क्या ई गवर्नेंस है क्या इंटरनेट चीज। के माध्यम से सर्विसेज देना। बहुत अच्छा, डिजिटल माध्यमों से गवर्नमेंट की सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना। अब डिजिटल माध्यम से अगर हम सर्विसेज पहुंचाते हैं लोगों को तो उसका क्या फायदा होगा? करप्शन कम होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और अच्छा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, खर्चा कम होगा, आपका टाइम कम लगेगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, करप्शन करप्शन कम होगा। कम होगा। ठीक है, कैसे कम होता है? ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ती है, करप्शन कम हो कैसे होता है? डिजिटल गवर्नेंस के जरिए से, ये आपने महसूस किया होगा कैसे इसमें होता है। कंज्यूमर और गवर्नमेंस डायरेक्ट जुड़ जाते हैं ना, बिचौलिया कम हो जाते हैं, तो उनका करप्शन कम हो जाता है, फिर नहीं, अकाउंटेबिलिटी इसलिए बढ़। बोलो, कंप्लीट करो। अकाउंटेबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है कि दो लोगों के बीच का जो संवाद होता है या जो भी क्रियाएं होती हैं, तो बीच का बंदा नहीं रहता है, तो अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो डायरेक्ट उसको पकड़ा जाएगा जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बीच का तो कोई रहता नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी किसी एक बंदे की। ठीक है, वैसे सरकार में आज के समय में फेसलेस गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। फेसलेस गवर्नमेंट है मतलब हमें किसी के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। हम लोगों से क्यों भाई, आपको कोई एक सर्टिफिकेट अपना इशू कराना है, कोई भी चीज आपको लेनी है, तो सबसे पहली चीज सरकारी दफ्तर में क्या होता है कि भाई फॉर्म भरो, सर्टिफिकेट लगाओ और वहां पर जमा करने जाओ। आमतौर में यही होता है, हमें सरकार की कोई भी सुविधा लेनी है, सर्टिफिकेट लेना है, स्कॉलरशिप लेनी है कि वो पेंशन के लिए एलिजिबल है तो उसे पेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप फॉर्म भरो और लेकर जाओ, वहां जाके जमा करो, तो वो काम उस पर करेंगे। इसमें समस्या क्या क्या आती है? नंबर एक, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें एक दूसरी तरफ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है। इंसान जहां पर आ जाते हैं, इंसानों और मशीनों में क्या डिफरेंस है अगर काम करने की क्षमता को की बात की जाए? फास्ट सर वो फास्ट काम करते हैं, मशीन काम करते हैं, ठीक है, स्पीड के अलावा एक्यूरेसी भी रहती है, में एक्यूरेसी, करप्शन नहीं होता है एक्यूरेसी भी मशीन रहती है। हाँ, एक जो एंड इम्पोर्टेंट सर चीज, दे कैन वर्क 24 आवर्स। हाँ वेरी गुड, जो मशीन है मशीन के मूड नहीं होते हैं, मशीन की एफिशिएंसी होती है। मशीन बदमाश, अच्छी और बुरी मशीन नहीं हो सकती है, मशीन मशीन ही होती है, वो एक ही तरीके से हमेशा एक जैसा ही काम करेगी। अगर गलती भी करेगी तो एक ही गलती को बार बार करती रहेगी जब तक कि आप उसे सुधार नहीं देंगे। अब उस गलती को सुधार देंगे तो वो गलती भी ठीक हो जाएगी। पर इंसान बहुत वेरिएबल, दोनों इंसानों की बात है यहाँ पर, एक तरफ जो करने वाला है, करवाने वाला, दोनों की अगर बात करें, करने वाले की इच्छा है भाई मार आज काम करने का मन नहीं कर रहा, कभी कभी जेन्युइनली भी मन नहीं करता,
कभी ये हो सकता है कि उसने ये तय समझ रख दिया है कि ये काम मेरे बिना होगा नहीं, मैं इस काम को कराने के लिए। करप्शन क्यों जनरेट होता है? क्योंकि उसको ये जो क्लर्क होता है, जिसको ये सर्टिफिकेट बनाने का काम दिया गया है, जिस ऑफिस को ये काम दिया गया है, उसको ये पता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो इसका ये काम नहीं होगा। यानी कि वो व्यक्ति सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर डिपेंडेंट नहीं है, मुझ पर डिपेंडेंट है अपने इस पर्टिकुलर काम के लिए। तो मेरे पास आएगा तभी ये काम हो सकेगा। तो ये डिपेंडेंसी जो होती है, ये उसके मन में एक प्रकार का करप्शन भी इम्पार्ट करती है। उसके मन में ऐसे भाव पैदा होते हैं कि क्योंकि करप्शन मतलब ये सब चीजें भी हम ही जैसे लोग करते हैं ना। जब हम जैसे ही लोग जो अच्छे विचार रखते हैं, परंतु उनके मन में भी हम इंसान हैं, हम कोई मशीन नहीं है। यहीं पर अंतर आ जाता है। अगर हम मशीनों को रिक्रूट कर देंगे तो हमेशा वो एक तरीके से काम करेंगी, पर इंसानों की क्या समस्या है, आज हमारे विचार कुछ और हैं कि नहीं, पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा भाव से काम करना चाहिए। परंतु जब हम नौकरी करने लग जाते हैं तब हम धीरे धीरे बदलते जाते हैं। हमें लगता है यार बहुत काम है, बहुत काम करना पड़ रहा है, बहुत गड़बड़ है और सारा काम उसी को दिया जा रहा है। वो लोग, ये जो लोग आते हैं ये ठीक से बात नहीं करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे मनोभाव में पैदा होती रहती हैं। और हम सबको देखते हैं, अरे वो भी काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है, मैं क्यों काम करूं? वो भी पैसे ले रहा है, मैं भी, वो भी पैसे ले रहा है, मैं क्यों ना लूं? सारी देश तो पैसा ले रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मनोभाव हमारे मन में पैदा हो सकते हैं जो मशीन के मन में पैदा नहीं होते हैं। मशीन के मन में कभी पैदा नहीं होते हैं कि भाई आज काम करना है नहीं करना है, उसे निरंतर काम करना है। जैसे किसी ने बोला वो 24 घंटे काम करने को तैयार है, आप दिन और रात कभी भी जाओ काम करो अपना। तो ये फर्क है। तो ई गवर्नेंस ने इसी काम को किया कि सबसे पहले तो फेसलेस गवर्नमेंट करो। हमें किसी इंसान से इंटरेक्ट करने की अब जरूरत नहीं है। बहुत सारी एप्लीकेशन हम भरते हैं, हम क्या करते हैं, ऑनलाइन जमा कर देते हैं। आप इंटरनेट पे जाते हो, अपना नाम पता सब कुछ जो कुछ है, डॉक्यूमेंट लगाए, एप्लीकेशन एक बटन दबाया और वो एप्लीकेशन चली गई। यूपीएससी का फॉर्म भरोगे, ऐसे ही जमा हो जाएगा ना, फीस जमा कर दो और अपनी डिटेल भर दो जो जो एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड है, अगर कोई डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी भर दो और उसको सबमिट कर दो, सबमिट हो जाएगा। तो नंबर वन, वो तो 24 घंटे ले लेगा, जबकि इंसान क्या है, वो अपना काउंटर बंद करके बैठ जाएगा, 5 बजे तक फॉर्म जमा होना है तो कोशिश करेगा यार आज मुझे जरा जल्दी घर जाना है, 4:30 बजे ही काउंटर बंद हो जाए। फिर उसका मूड है, उसका मूड खराब हो गया, किसी से बहस हो गई तो उसका फॉर्म ही नहीं लेगा, उसका फॉर्म फाड़ देगा, किसी ने पैसे नहीं दिए उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो ऐसी तमाम चीजें काउंटर पर बैठा हुआ आदमी कर सकता है। आप लोगों ने काउंटर पर फॉर्म कभी दिए? काउंटर पे फॉर्म देना और ऑनलाइन फॉर्म भरना, इन दोनों में फर्क दिखाई देता है? सब बहुत ज्यादा दिखाई देता है। टू मच। वो सबसे पहला तो ये क्यों होता है सर? क्यों होता है? सबसे पहला तो क्यों लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में खड़े हो गए, फिर लाइन में खड़े हुए हैं, जब नंबर आया तब उसमें बता दिया कि इसमें ये गलत है, ये भर के लाओ, ये कागज लेके आओ। फिर आप बेचारे दौड़ते हुए चले जा रहे हैं और फिर कहीं वो भर रहे हैं, फिर दोबारा से लाइन में लगे, फिर वो कुछ और एरर बता देगा। पर ये ऑनलाइन में जो होता है कि जब आप भरते हो तभी वो एरर बता देता है, अगर उसे बताना होता है, नहीं बताना होता तो एक्सेप्ट कर लेता है, फालतू आपको नाहक परेशान नहीं करता। ये नहीं करता कि भाई मेरे को जो है लंच करना है, मेरे को चाय पीनी है, मैं काम नहीं कर सकता, तब वो अपना काम करते रहेगा। तो ये फर्क हमारे ई गवर्नेंस में होता है। दूसरा फर्क यहाँ पर ये है तो कि उसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग इससे बेहतर हो पाती है। जो भी मॉनिटरिंग ऑफिसर है उसके लिए भी बहुत इजी हो जाता है। मान लीजिए काउंटर पर क्लर्क बैठा हुआ है, उसके ऊपर एक अधिकारी को रखा गया कि भाई तुम इसके काम को, आप जैसे एक नए अधिकारी को बनाया गया, एक ये जो क्लर्क है वो काम ठीक से नहीं करता, आप इस पर नजर रखो, मतलब आप देखो कि बच्चों को परेशान ना करें।
तो आप क्या करोगे? अब आपके लिए भी काम हो गया कि आप चेक और बैलेंस बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर बैठे रहोगे, जैसे ही आप इधर उधर होगे वो भी इधर उधर हो जाएगा, ठीक है? और फिर उन दोनों के आपस के बीच के वो उसे बोलेगा, बॉस के तौर पे आप बोलोगे भी, वो कहेगा अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा जी इतनी स्पीड से कर सकता हूँ मैं, इसमें तो ऐसे ही दिक्कत है, वो उसके साथ भी इश्यूज होते रहेंगे। परंतु जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मॉनिटरिंग भी आसान है कि भाई कितने फॉर्म जमा हुए, कौन सा फॉर्म जमा नहीं हुआ, बड़ी आसानी से जब हिसाब किताब रखा जा सकता है। मैंने आपको 100 फाइलें दी, आपकी स्क्रीन पर है, आप ये नहीं कह सकते कि फाइल मेरे पास आई नहीं, मुझे मिली नहीं, वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर है, तो आप ये भी नहीं कि डिसओन नहीं कर सकते कि जी मेरे को वो फॉर्म मिला नहीं था इसलिए मैं देख नहीं पाया। तो ऐसी बहुत सारी चीजों से हमें ई गवर्नेंस बचाती है और हमें गुड गवर्नेंस की ओर लेकर जाता है। तो हमारे को इस पूरे सिस्टम में गुड गवर्नेंस की ओर जाना है और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब हुआ कि हम गवर्नेंस की फैसिलिटी, जो गवर्नमेंट के काम है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रोवाइड करें। तीसरा है सिटीजन पार्टिसिपेशन, कि हमारे जो नागरिक है, नागरिक ज्यादा से ज्यादा भागीदारी अपनी दिखाएं। फिर है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, महिलाओं, बच्चों और एल्डरली के लिए सुविधाएं देना, ये सब इस कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सेफ सिटीज के, जो स्मार्ट सिटीज है, उसके अंदर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन में सिटी इम्प्रूवमेंट, सिटी रिन्यूअल और सिटी एक्सटेंशन प्लान का प्रावधान रखा गया था। शहरों को इम्प्रूव करना, उन्हें रिन्यू करना, नए तरीके से नवीनीकरण करना और एक्सटेंशन करना, शहरों को एक्सटेंड करना, उनको बड़ा करना, जिसमें के जरिए उनमें ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज को इंक्लूड किया जा सके। जो स्मार्ट सिटी कार्यक्रम है, इसमें जो अप्रोच है, ठीक है, वो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है और सिलेक्शन प्रोसेस में हर स्टेट से, ठीक है, हर राज्य से कम एक स्मार्ट सिटी के लिए चुना जाएगा, एक शहर को स्मार्ट सिटी के लिए चुना जाना ये तय है। सर, हाँ जी, सर जैसे आपने कहा ई गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट का रोल ऑफ एनपीए फॉर बैंक, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, तो जैसे कि ई गवर्नमेंट के माध्यम से, गवर्नेंस के माध्यम से हमें ट्रांसपेरेंसी तो आई, लेकिन अगर हम उसके अपोजिट देखते हैं बैंकिंग सिस्टम में, तो आज बैंकिंग जो एनपीए इतना इंक्रीज हुआ, क्या उसमें हमारा ई गवर्नमेंट का रोल नहीं है? नहीं, उसमें ई गवर्नेंस का कैसे रोल है, क्या रोल है सर? जैसे कि जितना केस हुआ है अभी, गवर्नमेंट के जितने भी बैंक हैं उनके ऊपर है, पड़ा हुआ है। प्राइवेट बैंक में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन अच्छी है, लेकिन जब ई गवर्नमेंट का की बात आती है, तो ई गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट जो किया है, एग्जीक्यूट जो किया है, वो तो गवर्नमेंट के माध्यम से ही हुआ ना सर? तो वहां पे गवर्नमेंट बैंक कैसे अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, जो कि आज उसको बैंक कर्मचारी हड़ताल के रूप में तब्दील कर रहे हैं, और रियलिटी, अब वास्तविकता हमारे सामने आ रही है कि जितने भी पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट में जो भी मंत्री बैठे हैं, वो कैसे हमारे सिस्टम को कोलैप्स की ओर लेके जा रहे हैं? जी, तुम्हारा सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग है यार, कई सारे सवाल तुमने एक साथ पूछ डाले हैं, मैं समझ में नहीं पाया। वैसे पहला तो तुम ये कह रहे हो कि ई गवर्नेंस एनपीए के लिए जिम्मेदार है, ये कहना चाहते हो? एनपीए जी सर, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट करें ना। ओके, पहला तो एक ये सवाल, मतलब इसे कैसे कनेक्ट करें हम ई गवर्नेंस को
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के साथ। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ई गवर्नेंस आपका कंप्यूटर किस तरीके से, आपने कंप्यूटर के द्वारा लोन के एप्लीकेशन ले लिए, तो इससे आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसे बढ़ गया? जिस भी अधिकारी ने वो एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए हैं वो बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट के माध्यम से किए। अगर रियल में हम जाके पूछते, मान लीजिए मैंने लोन लिया और मैंने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पे शो कर दी, बट वो या तो डॉक्यूमेंट्स फाल्स होगा या फिर वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया होगा। तो यहाँ जो ई गवर्नमेंट, अगर हम फिजिकल रूप से अगर शायद वेरिफिकेशन करते तो हो सकता कि हमें वास्तविकता कुछ और नजर आती। नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को देखे मैं थोड़ा सा इसमें पूछूंगा। इसमें एनपीए में ये इन केस, इस केस में सर एनपीए थोड़ी हुआ, ये तो मतलब फ्रॉड से रिलेटेड हो गया जैसा ये बोलते हैं। रुक जाओ रुक जाओ, नहीं वो आप जो वेरीफाई अधिकारी वेरीफाई करने आते हैं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे ई गवर्नेंस में ऐसा नहीं होता है, जैसे हम एप्लीकेशन अगर किसी चीज की लेते भी हैं तो जिम्मेदारी पूरी रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे पहचान का डॉक्यूमेंट है ई गवर्नेंस में, भाई आपका एक पहचान का डॉक्यूमेंट लगा, अब पहले पहचान के डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जमा होती थी, अब उसने उसे ऑनलाइन सबमिट कर दिया। उसे अगर जैसे लोन लिया तो लोन का वेरिफिकेशन अभी भी फिजिकली होता है, एक एजेंसी थर्ड एजेंसी को रखा जाता है जो एजेंसी वेरीफाई करके बताती है कि इसका जो क्रेडिट है वो सही है। जैसे सिबिल का एक कॉन्सेप्ट होता है, सिबिल वेरिफिकेशन होता है। फिर लोन अगर आप ले रहे हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी है, उसका वैल्यूएशन अलग से होता है जो एक दूसरी एजेंसी, बैंकिंग की एजेंसी भी नहीं करती, क्योंकि बैंक तो गड़बड़ कर सकती है। यदि आप उसी अधिकारी को भेज देंगे वैल्यूएशन करने के लिए, उसी अधिकारी को भेज देंगे, तो वो अधिकारी गलत फैसला लेके आ सकता है, क्योंकि उसको लोन देना है या नहीं देना पहले उसने ये तय कर लिया है। मान लीजिए आपको लोन चाहिए, आपने लोन के लिए एक अधिकारी के पास अप्लाई किया, अब वो अधिकारी आपसे मांग करता है कुछ भी पैसे की, आपने वो नहीं दिए, तो पहले ही तय कर लेगा कि मुझे इसे लोन नहीं देना, या आपने कहा कि नहीं सर मैं बढ़िया आपकी फीस अच्छी दे दूंगा, तो उसने पहले ही तय कर लिया कि उसे लोन देना ही देना है चाहे बैंक को नुकसान हो जाए। तो ऐसे में वो कागजों में झोलझाल कर सकता है। तो इसीलिए वैल्यूएशन, सिबिल, ये सब थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के जरिए होते हैं, इसमें जो बैंक का कर्मचारी है उसकी हिस्सेदारी नहीं है, जिससे कि वो भी किसी हद तक वो ना इंटरफेयर ना कर सके इस प्रोसेस में। तो ऐसा नहीं है रविंदर, ये शायद मेरे ख्याल से तुम्हारे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में कहीं समझ में वो हो रही है। एनपीए का कारण ये नहीं है कि हमने जो है ई गवर्नेंस, बिल्कुल शायद मेरी समझ से कोई कारण नहीं है। ई गवर्नेंस से तो उल्टा होता है, आज के समय में भी जो अधिकारी हैं वो ये चाहते हैं कि आप हमारे पास फिजिकली आओ, हमारे पास खुद चलकर आओ और हमारे पास चीजें दो, तब हम आपके चीजों को करेंगे। वो ई गवर्नेंस के बावजूद भी ये चीजें करते हैं। तो ई गवर्नेंस एनपीए का कहीं कारण नहीं है, उसके कई चीजों को मैं आपको गिना सकता हूँ। नंबर एक, एनपीए हमारे देश में 1991 से लगातार चले जा रहा है, ऐसे समय जब ई गवर्नेंस थी भी नहीं तब भी हमारे देश में, मतलब अगर गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की पिछले 10 सालों में इस्तेमाल हुआ है, एनपीए 30 सालों का फिनोमिना है, 30 साल या उससे भी लंबे समय से, तो एनपीए लगातार हो रहे हैं। एनपीए हमारे जो गवर्नमेंट की वर्किंग के चीजें हैं उनको रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमारी जो सरकारी वर्किंग है वो पुअर है, हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में कई सारे वर्किंग इश्यूज हैं जिसके कारण ऐसा होता है। हमारे करप्शन उसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि करप्शन है। उसके अलावा जो सरकार की स्कीम्स है, सरकार बहुत बार के बैंक के कर्मचारियों को इस प्रकार के टारगेट देती है जिसमें एनपीए होने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो भी एक कारण है। लैक ऑफ मॉनिटरिंग, लैक ऑफ मॉनिटरिंग एक और कारण है जिसके कारण से एनपीए होते हैं। तो ये सब कारण है जिसके कारण एनपीए होते हैं।
एडमिनिक समझ से इलेक्ट्रिक ई गवर्नेंस को उसका, अगर फिर भी तुम्हें कोई सवाल हो तो आप बाद में एंड की तरफ पूछ सकते हो, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो अप्रोच है वो एरिया बेस्ड अप्रोच है, और तुम्हारा सवाल का जवाब मैं दे पाया वैसे, क्योंकि सवाल तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड है और तुम्हारा मतलब एक स्पेसिफिक सवाल नहीं है, तो इसलिए मैं पूरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा। पर कुल मिला के ये जरूर कहूँगा कि एनपीए होने में, क्योंकि अगर यही आर्ग्यूमेंट लेते हैं तो तुमने अपने अंदर स्टेटमेंट में भी एक बात कही थी कि प्राइवेट बैंक में एनपीएस नहीं है, तो प्राइवेट बैंक तो सारा का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर ही कर रही है। ई गवर्नेंस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म टू डू प्रोवाइड सम सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज का इंटरफेस खत्म किया गया है जिसके माध्यम से लोगों को डायरेक्टली सरकारी अधिकारियों से इंटरेक्ट ना करना पड़े, अन्यथा वो करप्शन का कारण बनती है, और ऐसा प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक्स में और ज्यादा किया जाता है, तो ई गवर्नेंस कम से कम इसका कारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल तो इसके बाद हमारे ये सिटी चैलेंज का एक कॉन्सेप्ट है स्मार्ट सिटी में, कि एक सिटी चैलेंज रखा जाएगा। ऐसे 100 स्मार्ट सिटीज को पहचान किया गया और वो 100 स्मार्ट सिटीज का इवोल्यूशन करके कि किस प्रकार से हम पोटेंशियल 100 सिटीज को हम टारगेट कर सकते हैं, इस पर काम किया गया। हर जो भी ऐसा शहर बन जाएगा उसे 500 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया जाना ये तय किया गया, परंतु हमारी स्मार्ट सिटी स्कीम बहुत ज्यादा टेक ऑफ नहीं कर पाई। यस चंद्रा बोलिए। अब सेकंड स्टेटमेंट फिर से एक बार समझा दीजिए, सिटी चैलेंज वाला। सर सिटी चैलेंज मुझे खुद नहीं समझ आया, मैं क्या समझाऊंगा तुम्हें। सिटी चैलेंज ये है कि दिस वन हर जो भी शहर हमारे स्मार्ट सिटी में जो शहर है जो स्मार्ट सिटी बनना चाहता है, ठीक है, उसको एक प्रकार का सिटी चैलेंज उसको सेलेक्ट करने के लिए उसको और शहरों के साथ, ऐसा नहीं कि कोई भी, जैसे कुल कितने शहरों को स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में दिया जाना है, एक स्टेट से एक सिटी शायद 100, टोटल 100 स्मार्ट, 100, ठीक है, 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाने का प्रस्ताव था। ये 100 स्मार्ट सिटी अब किस शहर को बनाया जाए किसको ना बनाया जाए ये एक चैलेंज है, तो उसको करने के लिए उन्होंने एक सिटी चैलेंज रखा जिसके तहत शहरों को आपस में, अगर कोई शहर बनना चाहता है, दो शहर है, ठीक है, आगरा है और मथुरा है, ये दोनों कहते हैं जी हमें बनना है, तो इन दोनों शहरों को कम्पीट करना पड़ेगा स्मार्ट सिटी बनने के लिए। सरकार अपने से पहले से तय नहीं कर देगी, इनको आपस में भी कम्पीट करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ हम ज्यादा एलिजिबल हैं स्मार्ट सिटीज के लिए, हम ज्यादा तैयार हैं। ऐसा है ना कि जैसे हम सिलेक्शन क्यों करते हैं, 10 बच्चे होते हैं उनमें से 5 बच्चों को क्यों चुनते हैं या 4 बच्चों को क्यों चुनते हैं, हर एक को क्यों नहीं चुन लेते, या यूपीएससी हर एक बच्चे को आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं बना देती। Compare to knowledge for person to person. Capable होना चाहिए। सर resources limited होते हैं। ठीक है, वो तो एक अलग बात है, क्योंकि यूपीएससी को पता है कि वो 1000 ही लोगों को बना सकते, सबको क्यों नहीं बना देते कि भाई सब बन जाओ। नंबर एक तो पोजिशन नहीं है, एक कारण कि हमारे पास उतने पोस्ट भी तो होनी चाहिए, वैकेंसी नहीं है, तो एक तो ये कारण हो गया, और अगर मान लो वैकेंसी हो तब भी क्या सबको बना देना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए उसकी। अब योग्यता कैसे पता चलेगी आपकी योग्यता, आपका सर, ये वो एग्जाम के माध्यम से, एग्जाम के माध्यम से, अगर मान लो आप यूपीएससी है तो आप क्या देख रहे हो, आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आप क्या देख रहे हो, क्या देखना चाहोगे बच्चे में,
वो क्वालिटी देखना चाहेंगे कि जिस क्वालिटी के हिसाब से कि वो किसी डिस्ट्रिक्ट को संभाल सके। बिल्कुल, तो वो क्वालिटी कैसे पता चलेगी? भाई दो बच्चे हैं, क्या क्या देखना चाहेगी? भाई हार्ड वर्किंग है या नहीं है सबसे पहला। हार्ड वर्किंग मान लो एक आलसी आदमी को, मेरे जैसे लेजी पर्सन को बना दिया तो क्या होगा? वो तो आराम कर रहा है, पता चला जी वहां पर तो बड़ी हाई तवा मच रही है, हमारा डीएम साहब तो गायब है, तो ही हैज टू बी अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ही हैज टू बी अ इंटेलिजेंट पर्सन की जो सोच सके। किसी को बैठा दिया वो सोच ही नहीं पा रहा कि क्या है। ही शुड बी नॉलेजेबल, उसको जानकारी होनी चाहिए। ही शुड बी एस्पायरिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक आदमी हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है और सारे गुण हैं, बट ही डजंट वांट टू बिकम डीएम, उसकी इच्छा है ही नहीं, तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? किसी आदमी के अंदर ये सारे गुण हैं, ठीक है, ये भी संभव है कि भाई मुझे नहीं इच्छा, मेरे को नहीं डीएम बनना, मैं ऐसे ही ठीक, मैं ऐसा खुश हूँ। तो डिस्पाइट बीइंग हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, डिसीजन मेकर, जितने भी गुण हुए वो होने के बाद वो एस्पायर नहीं कर रहा। अब जो एस्पिरेशन है वो आपके अंदर से आ सकती है, एस्पिरेशन बाहर से नहीं दी जा सकती, कोई ऊपर से नहीं दे सकता कि भाई तुम जो है डीएम बनने के लिए करो, ठीक है, इट कैन अट्रैक्ट यू फॉर सम टाइम बट इट कैन नॉट अट्रैक्ट यू फॉर एवर। थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लग सकता है वो कुर्सी पर बैठना, पर उसके लिए जो काम करना पड़ेगा आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही शहरों को भी ये चैलेंज दिया गया कि भाई आप आपस में कॉम्पीट करो और ये साबित करो कि हाँ मैं ज्यादा योग्य हूँ, हम ज्यादा। तो अगर क्योंकि उसमें पैसा लगाएंगे, ऐसे राज्य पर पैसा लगाएंगे जहाँ के लोग, जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा कीन है अपने शहर को बेहतर करने के लिए, वो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा दे पाएगा। तो इस लिहाज से इसमें ये सिटी चैलेंज रखा। अगला है हृदय, हृदय HRIDAY, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना। ये NRUGM पे भी सवाल आया था, अमृत पे सवाल पहले आया था, हृदय पे भी सवाल आया था, ये सारी जितनी स्कीम्स हैं इन पे सवाल आ चुका। हृदय स्कीम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसका उद्देश्य है हमारे जो हेरिटेज सिटी हैं, कौन से शहर? हेरिटेज सिटीज। हेरिटेज सिटीज का नाम बताओगे? जयपुर। जयपुर और आगरा, बनारस, गया, इसका मतलब हुआ, ठीक है, गया, दिल्ली को भी जोड़ दीजिए। हेरिटेज सिटी का मतलब क्या हुआ? सर अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है, अब मुझे इसका मतलब बताओ, ठीक है, यानी कि आपको नाम तो पता है, इसका मतलब क्या होता है? विरासत, मतलब क्या हुआ? विरासत के शहर, जो शहर हमें विरासत में मिले, क्या मतलब हुआ इसका हेरिटेज सिटी का? जहाँ पे नहीं सर, विरासत का शहर तो दूसरा है, विरासत में जो हमारे हेरिटेज है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको, उसके आधार पर मतलब ऐसे जो हेरिटेज वाइज रिच हो, मतलब जिनके पास रिच हेरिटेज हो, इतिहास विरासत उनकी बहुत रिच हो। कुछ नए शहर भी हो सकते हैं, जैसे नोएडा शहर है, ठीक है, नोएडा शहर को क्या हम हेरिटेज सिटी बोल सकते हैं? आधुनिक हेरिटेज सिटी बोल सकते हैं, आधुनिक हेरिटेज सिटीज अकॉर्डिंग टू, जैसे वहाँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है तो वो एशिया की नंबर वन यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर है, तो हम उसको जो अभी आधुनिक सिटी, हेरिटेज सिटी बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, नहीं वो सब अच्छा हो सकता है, पर उसे हेरिटेज सिटी नहीं बोल सकते। हेरिटेज का मतलब था पुरानी, हिस्टोरिकल, तो कम से कम जैसे आमतौर में भी ऐसा लेके चलते हैं कम से कम 100 साल पुराने, जैसे मॉन्यूमेंट्स भी जो होते हैं ASI के पास ये टारगेट हो सकता है। भाई ASI किसको मॉन्यूमेंट माने, किस चीज को मॉन्यूमेंट वो मान सकती है?
तो उसको कुछ एक क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ता है। हर किसी बिल्डिंग को मॉन्यूमेंट नहीं मान सकते। हो सकता है अभी यहाँ दिल्ली में एक विकास मीनार नाम की बिल्डिंग है जो कि बहुत पॉपुलर है, पर अच्छी भी है, पहली बिल्डिंग है दिल्ली की, उसे क्या मॉन्यूमेंट मान सकते हैं? उसे नहीं मान पाएंगे क्योंकि वो बहुत पुरानी नहीं है, बहुत रीसेंट है, मतलब 80s में बनी है वो बिल्डिंग, 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो उसको हम नहीं मान पाएंगे मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट होने के लिए, हिस्ट्री होने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट रखा जाता है। इसलिए जैसे हम हिस्ट्री को पढ़ते भी हैं, एक समय तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद का इतिहास पढ़ते ही नहीं, वी डोंट कॉल दैट अ हिस्ट्री। जो चीज 5 साल पहले हुई उसे इतिहास के लिए पढ़ाया जाता, पढ़ाया जाता हिस्ट्री में होता है वो? नो सर। कल हुई no, sir. हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? कल कोई घटना घटी क्या? हो चुकी है, हो चुकी। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की किताब में हमें पढ़ाई क्यों नहीं कराई जाती? हर साल हिस्ट्री की किताब को अपडेट किया जाना चाहिए और लास्ट ईयर तक कंप्लीट करना चाहिए उसको। क्यों नहीं किया जाता हिस्ट्री की किताब को कंप्लीट? ओल्डेस्ट नहीं है ना सर उसका कोई, ये तो वर्तमान की सिचुएशन है। क्यों? वो तो कल हुआ था। उसका सर टाइम पीरियड होता है सर। क्या टाइम पीरियड होता है सर? सालों का क्राइटेरिया होता है सर? आई गेस क्राइटेरिया नहीं होता, कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट छोड़ना चाहिए जो हमारे हिस्ट्री के इवेंट होते हैं। कब तक मोटा मोटा अगर छोड़ना चाहो, अगर मान लो तुम्हें इतिहास को डिफाइन करना हो, हमें अपने रीसेंट समय की चीजों को हम नॉर्मली कंसीडर नहीं। यहाँ तो सर चेंज नहीं हो सकता, बस उसको मॉडिफाई किया जा सकता, लेकिन उसको बिल्कुल चेंज कर देना ये थोड़ा ऑड है। तो हमारे जो हम जैसे करंट अफेयर है, हम कह रहे हैं करंट अफेयर 3 साल पुरानी चीज करंट अफेयर कैसे हो जाती है? 5 साल पुरानी चीज करंट अफेयर कैसे हो सकती है? करंट अफेयर्स में सब रीसेंट डेवलपमेंट से अगर वो चीज जुड़ा हुआ हो तो करंट नहीं हुई है, करंट में हुई है। ठीक, तो जैसे अभी स्मार्ट सिटी को बोले कि इसे हिस्ट्री में डाल दो, क्या डाल सकते हैं? नो सर। क्यों? ये प्रोजेक्ट शायद 2-3 साल पहले शुरू हुआ था, क्यों नहीं डाल देते? डाल देना सर, उसकी चर्चा अभी वर्तमान में भी चल रही ना, करंट में अभी लोगों से जुड़ा हुआ है। तो जो इतिहास स्टेबल नहीं होता, जो हिस्सा हमारे उसका स्टेबलाइज नहीं होता, तो उसको हम नॉर्मली हिस्ट्री में नहीं रखते। जो फैक्ट्स चेंज हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन को हिस्ट्री में रखा जाना चाहिए? अभी नहीं। नो सर। अभी बहुत कुछ इसमें इवॉल्व होना बाकी है। हम किसान आंदोलन का पूरा अध्ययन कब कर सकेंगे? जब एक सिग्निफिकेंट टाइम बीत चुका होगा, जब वो मोर और लेस स्टेबल हो चुका है। हो सकता है महेंद्र जैसे टिकैत है, टिकैत ने आज कोई काम किया तो हमने उसे रजिस्टर कर लिया कि महेंद्र सिंह ये जो टिकैत है वो बहुत अच्छा आदमी है, राकेश टिकैत। अभी कल को कुछ और नई खबर आ गई, कुछ और चीज हो गई, हो सकता है पूरा वो ट्विस्ट हो जाए। ऐसा हिस्टोरिकली बहुत, मतलब ऐसे बहुत सारे जो लाइव मूवमेंट्स होते हैं उसमें बहुत कुछ बदलता रहता है। अन्ना हजारे वाला मूवमेंट था, उसमें शुरुआत में केजरीवाल साथ में था, फिर केजरीवाल अलग हो गया, मुख्यमंत्री बन गया, दिशा बदल गई। अब अगर हम जब ये मूवमेंट चल रहा था तब केजरीवाल के योगदान को लिखते, और आज अगर केजरीवाल के योगदान को लिखे, तो हमें वो पूरा का पूरा पन्ना बदलना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन उस समय जो पर्सपेक्टिव था वो पर्सपेक्टिव आज हम नहीं ले सकते। तो ये इतिहास का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम इतिहास एक समय के बाद नहीं पढ़ते, क्योंकि जिन चीजों को हम जैसे अब कहें कि भाई ठीक है 1971 का जो युद्ध था बांग्लादेश का, अब वो मोर और लेस स्टेबलाइज चीज है, वो चल नहीं रहा है। अब जो कुछ उसमें घटनाक्रम था वो अब स्थिर हो चुका है, तो उसको हम इतिहास में ले जा सकते हैं। तो इतिहास में हमें कुछ समय छोड़ना पड़ता है, उसके बाद हम इतिहास में नहीं रखते। ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स का है, हर बिल्डिंग को हम मॉन्यूमेंट नहीं बोलते, हर बिल्डिंग को हम हेरिटेज नहीं बोलते। हमारा एक कन्वेंशनल तरीका है कि लगभग 100 साल का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, वो भी कोई फिक्स नहीं है,
पर 100 साल का एक मोटा क्राइटेरिया रखा हुआ है कि उसके बाद की बिल्डिंग को ही हम मॉन्यूमेंट में रखेंगे। तो जैसे नोएडा शहर जो है, नोएडा शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 1976 में नोएडा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, पहला जो मिल जो पत्थर भी रखा गया होगा नोएडा में, इसे नोएडा में 1976 पूरी तरीके से ग्रामीण इलाका था, खेत थे। आज 40-50 सालों में वो बहुत सारा बदल गया है। तो जो ये बदलाव है ना, उसके लिए हमें हेरिटेज सिटी का मतलब ये होता है ऐसे हिस्टोरिकल सिटी जिनका अपना रिच हेरिटेज, रिच इतिहास है, उनको हम हेरिटेज सिटीज में रखते हैं। और ऐसे ही इतिहास वाले शहरों के विकास का कार्यक्रम है ये हृदय, इनकी योजना है हृदय, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसमें चार एरियाज में इन शहरों में काम किया जाना वो है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन चारों एरियाज में काम किया जाना जरूरी है। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या करेंगे, कौन बताएगा मुझे? पूनम, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रखा जाएगा? प्रेरणा, पूनम, पारुल सर, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन। वेरी गुड, सैनिटाइजेशन, गुड। अच्छा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रेरणा, कई बच्चे क्लास में भाग क्यों नहीं लेते हैं, इतने लिथार्जी किस बात की है? जो भी मन में विचार आए बोलो भाई। अच्छा, पारुल, प्रियंका, प्रियंका बताओ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या तुम ऐड करना चाहोगी हेरिटेज सिटीज में, या इन जनरल भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किस किस चीज को रखोगी? किस तरीके का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? आर्थिक संरचना, कोई और? उसको डेवलप करेंगे, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए आए, कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाया जाए, रास्ते को कैसे हम अच्छा बनाएं। मेरा इसमें सर रोड, रेलवे हो गया, रोड्स हो गए, इन सबको रखेंगे सर। रोड ब्रिज हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया। बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप, सब गलत। वो हो सकता है क्या जो फेयर लगाते हैं? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ आपने बोला, रेलवे और क्या क्या जो कुछ बोला, दैट एवरीथिंग इज अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट नॉट एन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। चार तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग अलग बात हो रही है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे, रोड। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमें शायद पारुल ने बताया, बैंकिंग आएगा क्या? हाँ, बैंक आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगे, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स आएंगे, वो कहलाएगा आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो आपके इकोनॉमिक उसमें सहायता कर रहा है। ठीक है, तो वो बैंकिंग इज एन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। स्किल डेवलपमेंट सेंटर, आपको फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए आपने कोई इंस्टीट्यूशनल स्पेस बना दिया, आपने एक जगह बना दी कि भाई ठीक है ये इंस्टीट्यूशनल, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, दैट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने कुछ पार्क बनाए, जो हमने बात की थी ना कि फूड पार्क और ऐसी चीजें बनाई, वो इंडस्ट्रियल एरिया, वो कहलाएगा हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो बारीक बारीक फर्क है, थोड़ा सा ध्यान रखो कि किस में क्या है। वो जो ऊपर बात कर रहे थे, पहले बात कर रहे थे, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, फिजिकल अलग है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। 12 शहरों को इसके लिए चुना गया है, अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारिका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलिंकनी और वाराकल को, इन 12 शहरों को इस हृदय प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। इसमें साथ साथ अपने प्राइवेट सेक्टर को भी हमने शामिल करने की बात रखी है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को भी इसके अंदर सम्मिलित करना है। फिर एक ये अर्बन रिफॉर्म इंसेंटिव फंड, शहरों के विकास के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए, ठीक है, उनमें इंसेंटिव देने के लिए ये फंड है, जिसके जरिए से जैसे रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ावा देना, अर्बन लोकल बॉडीज को मोबिलाइज करना, जो पब्लिक फंड है उनका बेहतर मैनेजमेंट करना, ये सब काम के लिए ये फंड है, अर्बन रिफॉर्म इंसेंटिव फंड। अफोर्डेबल हाउसिंग फंड इसी तरीके से है, और इसमें जो है URIF में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट काम कर रहा है, IBRD। IBRD क्या चीज है? व्हाट इज वर्ल्ड बैंक है वो। IBRD इज वर्ल्ड बैंक, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ऐसे मत बोलो तुम लोग। वर्ल्ड बैंक के और कौन कौन से पार्ट है? IMF हो गया। IMF, IMF is not part of World Bank. World Bank के कितने हिस्से हैं? कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं? पांच ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें IMF नहीं है, ये याद रखिएगा। IMF सर IDA है, सर IDA है, IFC है और MIG है, एक और रह गया अभी, और सर IBRD है। IBRD है सर, IBRD, IDRD, ये कौन सा सर? IBRD, ये सर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये ऊपर हो गया। अभी एक रह गया, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID, इंटरनेशनल सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये पांच बॉडीज मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाते हैं, ये पांचों है वर्ल्ड बैंक का हिस्सा, ठीक है। तो IBRD इज जस्ट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, डोंट से इट इज वर्ल्ड बैंक, इट इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। एंड IMF इज आउटसाइड वर्ल्ड बैंक, इट्स अ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों एक साथ काम करते हैं, गुड, अच्छी बात है, बट बोथ आर नॉट सेम। अच्छा, ये अगला हमारा है अफोर्डेबल हाउसिंग फंड, ये NHB द्वारा, नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा एक फंड चालू रखा जाता है जिसका नाम है अफोर्डेबल हाउसिंग फंड। हमारा फोकस इस पर रहना चाहिए, व्हाट इज NHB? NHBA एक्ट के हिसाब स्पेशल बैंक है, एक स्पेशलाइज्ड बैंक है जो हाउसिंग सेक्टर के लिए काम करता है। तो ये हमारा है अफोर्डेबल हाउसिंग फंड। हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहाँ से शुरू करेंगे दोबारा से। सर क्लास कब तक चलेगा? ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, बताइए। 9:15 तक, 9:45, हाँ 9:15, सॉरी 10:45। कोई सुझाव? नहीं, मुझे जाना।
आके अभी चर्चा करता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ आपको। ओके सर। सर रिजाइन कब करेंगे? 5 मिनट बाद। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई डिफाइन कर सकता है क्या? हेलो, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं क्या आप? हाँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओके, प्लीज। लाइक जैसे सर ने इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था ना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि हमारा टू डेवलप अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सिटी, तो वही हमारा एक्चुअली कोर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जिस पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बेसिकली सारी चीजें ले लेते हैं जो एक कंट्री को डेवलप करने के लिए जरूरी होती है, मतलब एक बेटर प्लेस बनाने के लिए। एंड कोर में हम आइडेंटिफाई करते हैं और सिलेक्ट करते हैं कि सबसे ज्यादा एसेंशियल चीजें क्या हो सकती है। लाइक जैसे कि पावर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पावर हो गई, इंटरनेट हो गया आज के टाइम के लिए, एंड सैनिटाइजेशन हो गया। ऐसे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि बेसिक मतलब उसमें अंदर छाटते हैं कि ये हमारे लिए जरूरी ही जरूरी है, उसी को कोर में कवर करते हैं। बाकी तो मीनिंग वही होता है उसका, कोर का भी, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। ओके, थैंक यू भाई। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि यूपीएससी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी से इम्पोर्टेंट हैं, तो किसी को पता हो तो बता दें। इसका आइडिया नहीं है यार, एक बार सर से पूछ लेंगे। ओके। कोई आप में से जीडीपी डिफ्लेटर को एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या? अरे भाई, उसमें माइक्रो इकोनॉमी में देख लो, ये माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से प्रॉब्लम्स। ये एक जीडीपी डिफ्लेटर का एक सर के नोट्स में फॉर्मूला भी था, बड़ा ट्रिकी था। फॉर्मूला था नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। हाँ, यही था। क्या था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप? नॉर्मल जीडीपी जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ओके, एंड आप एक बार रियल जीडीपी बता दोगे? याद नहीं यार, रिवाइज करना पड़ेगा।
ओके, मैं भी वही रिवाइज की सोच रहा था। रियल जीडीपी तो ये हो गया, जैसे सर ने फॉर्मूल एक एग्जांपल देके बताया था ना कि जो भी सब्सिडी वगैरह हटा के जो एक्चुअल हमारा सेल हुआ वो रियल जीडीपी है। हाँ ओके, ये जो नॉर्मल में हमारी सब्सिडीज कवर होती है और उसमें नहीं होती। हाँ ठीक हाँ, नहीं इसमें ना जीडीपी डिफ्लेटर जो एक टर्म आया ना, ये मैंने पढ़ के भी देखा, थोड़ा सा मेरे को कम समझ में आया। हम सभी लोग जो भी कोई यूपीएससी का फॉर्म आए अगर ग्रुप में शेयर कर दें तो एक दूसरे को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी कि कौन सा फॉर्म डालना है और कौन सा आया है। कई बार अवेयर भी नहीं हो पाता है सबको कुछ फॉर्म। यूके यूके पीसीएस के हाँ अभी मैंने भी ग्रुप में ही लिंक देखा था उत्तराखंड का, मुझे भी पता नहीं था उसकी निकली थी। यूके पीसीएस का दूसरे स्टेट वाले नहीं डाल सकते क्या, ऐसा नहीं हो जाए क्या? सर डाल सकते हैं, बस उसमें वो होगा कि आपको ये जो एससी वाली कैटेगरी होती है उससे बाहर रखा जाएगा। मैंने उसका फॉर्म भरा है पर वो मुझे एससी का वो एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको फी एग्जेम्प्टेड बता रहा है, तो इसीलिए डाउट हो रहा था। मैं एक बंदे से पूछा तो बोल रहा कि फॉर्म नहीं डाल सकते। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए। हाँ नोटिफिकेशन शुरू करें। यस यस सर। हाँ जो मैं बात कहना ये चाह रहा था कि somehow मैं अपने भीतर ना एक lack of energy फील कर रहा हूँ and I want a little break for few days। तो जो है मैं चाहता हूँ कि हम कुछ दिन के लिए क्लास को बंद करेंगे, तो आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूटी तो नहीं होगी? इसी से मैं कुछ और करना चाहता हूँ, जैसे वो जो ऐप था वो ऐप को पर काम करना है। आप लोगों ने भी मुझे शिकायत भी की थी और जो ठीक भी है, मैं उस पर नहीं आप मटेरियल भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ उसमें, क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और अपने भीतर भी थोड़ी सी एनर्जी कम फील कर रहा हूँ और जानना चाह रहा हूँ कि वो एनर्जी कम क्यों है। तो मैं कुछ दिन का ब्रेक आप लोग अगर कहेंगे तो, नहीं तो वैसे इट विल बी ओके। बस हम ना आप वो एक बार ग्रुप का कंफर्म कर दीजिए, उससे ना हम आपस में कर लेंगे स्टडी। हाँ, जब तक आप कंटिन्यू करोगे ग्रुप का काम ये करते हैं कि आज के क्लास के तुरंत बाद है ना हम ये ग्रुप अभी बना लेंगे क्लास करने के साथ साथ, क्योंकि बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे, बाद की बाद में ही हो जाती है, हाथ के हाथ खत्म कर देंगे। ठीक है okay, तो सर। जब क्लास आज हम थोड़ा जल्दी करेंगे खत्म, 9:40-9:45 तक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में ग्रुप बना देता हूँ। और बड़े बड़े ग्रुप ना बना के बहुत 10-10 स्टूडेंट का ग्रुप बनाते हैं, और आप और भी लोगों को बोल दीजिएगा जो आपको लगता है कि सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। मैं हर एक ग्रुप लीडर को कुछ नंबर्स दे दूंगा 10-10, आप उनको पर्सनली फोन कर लीजिएगा कि अगर आप ज्वाइन करना चाहें, हमने ऐसे ऐसे ये बनाया है, हम लोग ये कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ज्वाइन अस। तो सबको अपने अपने अलग अलग नंबर देंगे ताकि आप उनको संपर्क कर लीजिएगा। इस तरीके का एक सिस्टम बना लेते हैं। आप पुराने स्टूडेंट्स को भी बात कीजिए अगर उनमें से कोई कुछ करना चाहते हैं, और थोड़ा सा इस पर भी वर्कआउट करिए कि कैसे हम चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं, कहाँ हमारी कमियां हैं, कैसे हमारा, क्योंकि यहाँ से चलते हुए एक चीज़ और कहूँगा सभी के लिए कहूँगा आप में से, क्योंकि सभी आप उस एज पर हो, हम अपनी क्लास के अलावा क्लास के साथ साथ एक हफ्ते में या 15 दिन में एक डिस्कशन शुरू करते हैं, 2 हफ्ते में, जो मैं हमेशा बोलता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का डिस्कशन शुरू करते हैं। वो जरूरी नहीं है पुराने स्टूडेंट भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मन करे वो ज्वाइन करे, जिसका मन ना करे, जो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो। वैसे सबको होना चाहिए, कम से कम जानकारी होनी चाहिए
एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट से आइडिया ये है कि आप लोग, जैसे मैं कम से कम इस बात का बहुत वो नहीं हूँ कि आप लोग मामूली नौकरियां करें, मामूली वैसे कोई नौकरी होती नहीं है, पर फिर भी ऐसी नौकरी ना करें जो आपको बेटर पे ऑफ ना करती हो, आपकी योग्यता के अनुसार पे ऑफ करे, और कम से कम जिसमें बेहतर आगे भविष्य का एक रास्ता हो। ये जो हमारा रास्ता है, काफी बार हम क्या करते हैं कि ठीक है अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम जो भी मिल रही है नौकरी हम वो ले लेते हैं, और मार्केट में कभी कभी बहुत ही मतलब कम पे वाली और कम ग्रोथ वाली, पे वाली से भी दिक्कत नहीं होती, ग्रोथ अगर हमारा ग्रोथ नहीं है तो मैं कभी आपको एडवोकेट नहीं करूंगा कि यू शुड गो टूवर्ड अ लो ग्रोथ पाथ, ऐसे रास्ते पे चलो जिसमें आपकी तरक्की का रास्ता ज्यादा मजबूत हो। तो मैं आपको चाहता हूं हमेशा से कि हम ऐसा डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे, दो हफ्ते में एक बार ही करेंगे, और जो जो जनरल इंफॉर्मेशन है एंटरप्रेन्योर से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है हम उसी के ऊपर वो क्लास को आयोजित करेंगे। तो क्लास के बाद हम एक काम ये करते हैं कि ग्रुप बना लेते हैं, और फिर ग्रुप को हम अलग अलग जिम्मेदारी दे देंगे कि आप अपने अपने ग्रुप में और लोगों को, जो पुराने लोग हैं जो क्लास किसी कारण नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बात करो, उनसे जानने की कोशिश करो कि उनको क्लास में क्या क्या समस्या आ रही है और कैसे उनकी समस्या का निवारण किया जा सकता है, क्या हम किसी तरह से ये समूह बना के कुछ सहायता कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ जी बोलो। हेलो सर, कोई न्यू स्टूडेंट है जिसने एंट्रेंस नहीं दिया नीट का या अपने आईएएस पीसीएस के लिए, वो एंटर हो सकता है क्या? वो हो सकता है, सब्जेक्ट टू दो कंडीशन है उसके लिए। नंबर वन, वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट होना चाहिए, बेशक हमारे यहाँ ना पढ़ता हो पर वो पढ़ता हो, जिसको आइडिया हो। जीरो वाले स्टूडेंट को हमें नहीं लेना है जो आज जीरो पर खड़ा हुआ है, क्योंकि जीरो वाला स्टूडेंट आपके साथ टिकेगा नहीं, तो जीरो वाले स्टूडेंट को मत दीजिए। कोई स्टूडेंट साल से तैयारी कर रहा है, दो साल से तैयारी कर रहा है, उसको आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप ले लो। नंबर वन। नंबर दो, उसको ऐड करने वाले को किसी की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है जैसे आप हैं, आपको लगता है कि मेरा एक दोस्त है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो, और आपकी जिम्मेदारी पर हर एक को हमें, देखो हमारे को ना पढ़ाई में, मेरा मानना हमेशा जीवन में ये है, हमें हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। कोई आदमी ऐसा हो जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे ला सके। कभी कभी हैंड होल्डिंग थोड़ी सी उल्टी भी होती है, जैसे हमारे पिताजी लोग हमारा क्या करते हैं, माताजी तो हमारा हैंड होल्डिंग करती हैं और पिताजी वो मतलब छोड़ देते हैं कि सामना करो जाके। दो तरीके के हैंड होल्डिंग हो सकती है, एक कान पकड़ने वाले भी होते हैं, ईयर होल्डिंग। तो पिताजी लोग जो है ना, मतलब वो प्यार से, कुछ तो कभी कभी प्यार से चीजें होती हैं, कुछ थोड़ी सी धक्का देके भी होती हैं, नहीं तो बहुत सारे हम लोग लेजी होते हैं, मतलब हमारे पिताजी लोग हमारी पिटाई ना करें तो हमें से बहुत सारे पढ़ाई ना करते, ऐसा हो सकता है। माताजी तो बेचारी नरम सी होती हैं, वो कुछ कहती नहीं है, तो पिताजी लोग ठीक है, उनका एक अपना तरीका होता है, उस तरीके में अच्छाई बुराई हो सकती है, परंतु वो भी एक तरीका है। तो कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो धक्का लगाने वाले को ये करो। तो ऐसे में मैं ये चाहता हूँ कि कोई एक जिम्मेदार हो उसके लिए, चाहे आप एज अ फ्रेंड ही हो कि सर ये स्टूडेंट है ये पढ़ेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, बस ऐसा कोई एक हो, एक ही चाहिए ज्यादा नहीं, एक ऐसा बंदा हो उसके लिए जो ये रिकमेंड कर सके कि हाँ सर इसे ऐड कर लो और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसको देख लूंगा ये पढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे किसी भी स्टूडेंट को हम ये दो कंडीशन अगर कोई फुलफिल करता है तो किसी को भी ले सकते हैं, आप लीजिए। वैसे इतना देखिए, कोई टाइट शेड्यूल हमें नहीं रखना है, ये रखने का जो उद्देश्य है, ये जो दो कंडीशन मैंने कही उसका कारण ये है, नए स्टूडेंट कोप अप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल जीरो पे खड़ा हुआ स्टूडेंट नहीं पहुंच पाता, वो फंस जाता है, उसे नहीं समझ आती है सारी चीजें, तो इसलिए उसको मत लो। नंबर दो, उसका कोई एक गारंटर होता है तो व्यक्तिगत रूप से उसकी, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रही है, आई एम नॉट ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, मुझे स्टूडेंट पता नहीं कौन सा स्टूडेंट आता है नहीं आता है,
कौन स्टूडेंट पढ़ता है नहीं पढ़ता मुझे पता ही नहीं चलता। क्लास होती है, फिजिकल क्लास होती है, तुरंत आप जज कर जाते हैं। वहां पे आपने एक सवाल पूछा, आपको पता रहता है कि ये स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है, कितना भागीदारी दे रहा है। पर यहाँ पर वो चीज नहीं होगी। पर इस समय में ये कर सकते हैं, हम आपस में एक दूसरे की चिंता कर सकते हैं। हो सकता है टीचर एक हो और 1:100 बहुत अच्छा स्टूडेंट टीचर रेशियो नहीं होता है। आइडियली हमारा स्टूडेंट रेशियो 1:40 तक ही होना चाहिए, 1:30 या 1:40 स्टूडेंट, इससे ज्यादा पर्सनली मैं नाम भी नहीं याद रख पाता हूँ। जैसे आप 30-40 लोग तक होते हैं तब तो मुझे याद रहते हैं, पर जब उससे बड़े हो जाते हो मुझे भी भूल जाता हूँ कि कौन सा। कुछ कुछ ध्यान रहता है, जो एक्टिव स्टूडेंट है वो याद रहते हैं। तो ऐसे में आप लोग भी एक दूसरे के टीचर बनो, एक दूसरे के मेंटर बनो, वो एक दूसरा काम कर सकते हो अपने। तो ये दो चीज मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप जिसको भी ऐड करो उसके पर्सनल मेंटर आप खुद रहो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका छोटा भाई बहन हो, बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, आपका कोई परिचित हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम अब एचआरडी मिनिस्ट्री की बात करते हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इसकी बड़ी सारी स्कीम्स हैं, इसमें से एक स्कीम है श्रेयास स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। ये हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको नॉन टेक्निकल फील्ड्स के बारे में कि भीतर अप्रेंटिसशिप दिलवाने का काम करती है। ये नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम, ये एक महत्वपूर्ण स्कीम है और इस पर आपको सवाल की अपेक्षा रखनी चाहिए। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, क्या है ये अप्रेंटिसशिप, कोई बता पाएगा? इसी के अंदर ये श्रेयास है, श्रेयास स्कीम का हिस्सा है जिसके द्वारा वो अप्रेंटिसशिप प्रमोशन करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जो हम अप्रेंटिसशिप है क्या, उनमें से हम में से बहुत सारे स्टूडेंट कवर हो जाएंगे। उसका प्रैक्टिकल एक तरीके की जॉब ट्रेनिंग होती है। हाँ, very correct. So it's a kind of internship in which we have to do the practical things which you have learned. Who has to? ये ऐसी ट्रेनिंग है जैसे हम में से बहुत लोग हमारा सर हाँ हमारा अब मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं पूरी बात कर दूं। हमारा जो करिकुलम है, ग्रेजुएशन का जो करिकुलम है जिसमें हम ग्रेजुएशन करते हैं, बैचलर डिग्री हासिल करते हैं, बीए, एमए, बीएससी ऐसी डिग्रियां हासिल करते हैं। दो तरीके की डिग्री हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। हमारे पास प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, हमारे पास जनरल ग्रेजुएट, जनरल पोस्ट ग्रेजुएट है। आप सभी लोग जानते हो जनरल ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है। प्रोफेशनल कोर्स में आप बीटेक करते हो, एमटेक करते हो या कोई और ऐसी बैचलर्स करते हो, बी फार्मा किया, फिजियोथेरेपी, बहुत सारी ऐसी डिग्रीज भी हैं जो टूवर्ड्स प्रोफेशनल कोर्स आपको ले जा सकते हैं। लॉ का कोर्स हो सकता है, तो वो सब आपको प्रोफेशनली प्रिपेयर करते हैं। बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी और बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें और जनरल ग्रेजुएट में क्या फर्क है, कोई अंतर है? हेलो सर, जैसे सर हम टेक्निकल बैकग्राउंड से बीटेक किया तो उसमें होता है जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन में क्या, जैसे साइंस का हम एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें बहुत सारे चीज थ्योरी पर चलती है लेकिन हमारे यहाँ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, जो हम लोग थ्योरी में वो देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर वही चीज हम लोग प्रैक्टिकल में जाकर लैब में करके दी, अगर प्रूफ हो सही कर पाते तो ही हम लोग मानते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं मानते उसको। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का अंतर होता है।
ठीक है, वो सबको पता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों में अंतर क्या होता है कि हम एक डिग्री, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इन प्रोफेशनल कोर्सेज को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि एक व्यक्ति जैसे MBBS का कोर्स है तो उसे केवल डॉक्टरी ही सिखाई जाती है कि वो डॉक्टर के बारे में बने, ताकि वह जब यहाँ से पास हो जाए तो वो किसी मरीज का इलाज कर सके। BTech को तैयार किया जाता है कि भाई वो एक इंजीनियरिंग, और उसके अंदर भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं, कोई कंप्यूटर इंजीनियर के लिए तैयार किया जाता है किसी को, क्योंकि हर एक क्षेत्र अपने आप में डाइवर्स है, किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तैयार करते हैं, किसी को केमिकल के लिए, और तरह तरह की इंजीनियरिंग के लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं। इससे लाभ ये होता है कि जब बच्चा ये डिग्री करके निकलता है तो वो कॉम्पिटेंट रूप से तैयार होता है, इंडस्ट्री किसी जगह कंपनी में जाएगा तो वहाँ पर तुरंत पहले दिन से उसको पता है कि कंपनी में किस किस तरीके से काम होते हैं, कौन सी लैंग्वेज या कौन सी मशीनें वहाँ पर रहती हैं, उन मशीनों पर कैसे काम करना है, कैसे वो चलती हैं, तो वो आसानी से उन पर काम कर सकता है। दूसरे होते हैं नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स या नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज वाले ग्रेजुएट। नॉन प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स को हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जैसे फिजिक्स BSc है तो उसको हम BSc सिखाएंगे, पढ़ाएंगे फिजिक्स में क्या रिसर्च हुई या जो भी उसके विषय होते हैं उनके बारे में सिखाते हैं। परंतु ये जो कोर्सेज हैं जनरल नॉन टेक्निकल कोर्सेज, इनमें हम यदि अकेडमिक साइड पर आगे जा रहे हैं तब तो बहुत अच्छे हैं कि हम आगे चलकर उस फिजिक्स के अपने ज्ञान को, उस केमिस्ट्री के अपने ज्ञान को अप्लाइड रूप से रिसर्च में ले जाएं या एकेडमिक्स में ले जाएं कि हम प्रोफेसर बन जाएं, हमने पढ़ लिया, हम अब किसी और को पढ़ाएं, तब तो ठीक है। परंतु क्योंकि टीचर और प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स बहुत लिमिटेड हो सकते हैं, सभी लोग तो रिसर्चर और टीचर प्रोफेसर बन नहीं सकते, तो बाकी लोग क्या बनेंगे, वो एक सवाल है कि भाई। और हमारे अधिकांश लोग किस कैटेगरी में ज्यादा है, प्रोफेशनल में कम है, नॉन प्रोफेशनल या जो हमारे नॉन टेक्निकल कोर्सेज ग्रेजुएशन होती हैं उनमें ज्यादा होते हैं। अब ठीक है, ये भी एक सच्चाई है, अब इस सच्चाई को हम पूरी तरीके से एक मिनट में नहीं बदल सकते। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाए, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम, उनको हम जैसे हमारी BTech की डिग्री होती है, MBBS की डिग्री होती है, लॉ की डिग्री होती है, इन सब में एक इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट होता है, अप्रेंटिसशिप का कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप? हेलो सर, सर इनकम पे वो सर, सर जैसे हम लोग सर हमने भी सर जैसे DLW बनारस हम लोग किए हैं सर अप्रेंटिसशिप में सर, मैकेनिकल हमने BTech किया था, तो वहाँ पे हम लोग को हम लोग जाते हैं लैब में तो हम लोग को जैसे लैथ मशीन कैसे चलाना है उस पर, मतलब कोई इक्विपमेंट जैसे हम लोग को साइकिल का धुरा जो टाइप का था वो हम लोग बनवाया जाता था, और सारे मशीन को पहले पहचान करवाया जाता था, उसके बाद उसको कैसे चलाना है, अपना कैसे सेफ्टी रखना है, वेल्डिंग कैसे करना है, वेल्डिंग में भी बहुत सारा टाइप वो था, जॉइंट था, फिटिंग था, ये सब कुछ सर वहाँ पे हम लोग को, मतलब जो हम लोग चीज कॉलेज में पढ़े थे वहाँ पर करके दिखाया गया था। जो इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप होती है बेसिकली ये होती है कि ये दोनों पढ़ाई अगर हम देखें तो ये दोनों पढ़ाई मूलतः होती है कि कॉलेज के अंदर में होती है। अब कॉलेज में ये सारी मशीनें होना, सारी चीजें होना मुमकिन नहीं है, और अपग्रेडेशन होना, क्योंकि इंडस्ट्री में मशीनें बहुत जल्दी जल्दी बदल जाती हैं, तो किया ये जाता है कि डायरेक्टली लोगों को जो कंपनी है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, उसके साथ जोड़ दिया जाए, और वहाँ जो एक्चुअली फंक्शन हो रहा है, जो एक्चुअली काम हो रहा है, वो काम होते हुए देखें, काम में हिस्सा बने और काम करके सीखें। तो ये हमारी इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप होती है। इस स्कीम के तहत श्रेयस और इस NAPCS की स्कीम के तहत ये इंश्योर करने की कोशिश है कि हमारे जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के, नॉन टेक्निकल फील्ड के बच्चे भी ग्रेजुएट्स हैं, वो भी ये कुछ पैसा भी मिलता है, जिससे कि उनको भी इसका अनुभव प्राप्त हो सके। तो दिस इज NAPS स्कीम एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और डेफिनेटली अ गुड स्कीम, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इसमें इंडस्ट्री नहीं है। जो अगर मान लीजिए आप फैक्ट्री में नौकरी लेने जाएंगे
तो फैक्ट्री का मालिक या फैक्ट्री में जो आपको नौकरी दे रहा है वो किस में इंटरेस्टेड होगा? सर जो इंटर्नशिप के हम लोग ट्रेनिंग वो देखा जाता है, इंटर्नशिप लेटर मांगता है वो किसी और को भी बोलने देते हैं, ठीक है। बाकी और लोग एक्सपीरियंस्ड में ज्यादा बिलीव करेगा, जिसके पास पहले से एक्सपीरियंस हो इन सब का, तो वो देखेगा कि ये मेरी जरूरत के मुताबिक है या नहीं है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपने करंट अफेयर पढ़ा, आपने ये पढ़ा, आपने वो पढ़ा, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो इंटरेस्टेड है कि मेरे यहाँ जो काम चल रहा है ये मेरे काम को कितना कर सकता है, इसे मेरा काम कितना आता है। तो दो चीजें हैं उसमें, एक आपको पहले से कितना आता है और दूसरा आपके अंदर सीखने की योग्यता कितनी है। तो अप्रेंटिसशिप ये दोनों का एक टेस्ट हो जाती है, जिसमें ये पता चलता है कि हाँ ये बच्चा इस तरीके से योग्य है, इसके अंदर ये काबिलियत है, ये काम कर सकता है, तो उसको फिर वो अप्रेंटिसशिप देते हैं। अगला हम स्कीम जिसकी बात कर सकते हैं वो है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नीट स्कीम, जिसमें जो लर्निंग आउटकम्स हैं हायर एजुकेशन को उनको बेहतर करने का प्रयास है। इसका नाम ही याद कर लेते हैं नीट, नीट एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका इस्तेमाल करके कैसे हम बेहतर एजुकेशनल आउटकम्स को, हमारे जो आउटकम्स हैं एजुकेशनल आउटकम्स, उनको कैसे और बेहतर कर सकते हैं। MHRD इसका फैसिलिटेटर है। CUP स्कीम है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन इंक्लूजन प्रोग्राम। एजुकेशन क्वालिटी हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के समय में। एजुकेशन की क्वालिटी पर बहुत भारी नुकसान हुआ है। एजुकेशन की क्वालिटी का मतलब डिग्री मिल जाती है, नॉलेज नहीं आ पाती, बहुत अच्छा। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे हम क्वालिटी को अपग्रेड करें और कैसे हम अपनी एजुकेशन को ज्यादा इंक्लूसिव बना सके, इसी का कार्यक्रम है ये इक्विप। इसमें एक्सेस की हमारी एजुकेशनल हायर एजुकेशन की एक्सेस बढ़े, इंक्लूजन हो, ऐसा कोई ना रहे जो उससे छूट जाए, जो गरीब बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे हैं किसी भी तरीके से, वो भी इसमें शामिल हो सकें। क्वालिटी इसकी बेहतर हो, एक्सीलेंस के लिए लगातार प्रयास हो और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जाए। जो बात मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि हमारे हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण, अल्टीमेट तो नहीं कहूंगा इसे, पर एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इस आयु में, जिस एज में आप सभी हैं, वो है एम्प्लॉयबिलिटी, कि मुझे ज्यादा एम्प्लॉयबल होना चाहिए। तो मैं वो एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ा सकता हूँ, तो ये हमेशा सोचो कि मैं कैसे अपनी एम्प्लॉयबिलिटी, क्या मैं नई चीज सीखूं, क्या मैं ऐसा नया करूं जिससे मेरी रोजगार की क्षमता, सेल्फ रोजगार भी हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है या वेज एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कैसे मैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाऊं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो अभी जब भी आप पढ़ते हो उसके एक्स्ट्रा टाइम में आप जरूर ये काम करो कि अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर काम करो। बाकी सब चीजें इसमें कहानी है, तो आप पढ़ सकते हैं बाद में। प्रधानमंत्री लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव नाम से है, इसको याद कर लेते हैं कि ध्रुव नाम से टैलेंटेड बच्चों को, जो होशियार बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एनकरेज करना, इसके लिए काम करता है ध्रुव। एक ये है निष्ठा स्कीम, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। हम अपने टीचर्स का और स्कूल हेड्स को कैसे और डेवलप कर सकें, क्योंकि जब तक हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं होगी, अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी, वो खुद एक्टिव नहीं होंगे, तब तक हमारे बच्चे नहीं एक्टिव हो पाएंगे, ठीक है, वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। स्वयं 2.0,
स्वयं का उद्देश्य है कि जो डिजिटल डिवाइड है हमारे बच्चों के बीच में, उनको उसको पूरा करना। डिजिटल डिवाइड क्या है मैं पूछता हूं, एक सेकंड दीजिए। जयवीर तुम बताओगे भाई डिजिटल डिवाइड? सम्राट, तानिया? हेलो सर, डिजिटली डिवाइड हो किसी तरीके से। कैसे डिवाइड होगा? डिजिटली डिवाइड क्या हो गया? नहीं, तानिया आप बताइए। तानिया बता रही है, तानिया बता रही है। हाँ, तानिया बताइए। हाँ जी सर, इसमें जो मतलब इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बढ़ाती है? नहीं, डिजिटल डिवाइड इज नॉट टू। और कोई बच्चा दैट से? हेलो सर, रुक जाओ रुक जाओ। साक्षी, हमारे पास दो साक्षी हैं, साक्षी वन एंड साक्षी टू। 3508-3514 साक्षी। I think so, the one who can access internet and computer and the one who can't. Very correct. Wonderful. देखिए आज के समय में हम बहुत सारे भेद की बात करते हैं, वंचित वर्ग की बात करते रहते हैं। हम हर शब्द में बोलते हैं वंचित वंचित वंचित। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है क्योंकि वंचित होने के कई कारण हो सकते हैं। एक व्यक्ति कई कारणों से वंचित हो सकता है, ये दोनों अप्लाई होते हैं। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक शब्द है वंचित। इसी वंचित होने में एक और नए तरीके के वंचित वर्ग का आज के समय में उद्भव हो रहा है, जो ऑलरेडी और कारणों से भी वंचित है, पर एक और नए तरीके का वंचित होना शुरू हो गया है, वो ऑलरेडी हो रखा है, जिसको हम डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। एक बड़ी आबादी ऐसी है आज के समय में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है, दूसरा एक वर्ग है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो इसमें मास्टर हैं, कुछ ऐसे हैं जो इसमें मास्टर नहीं है। ऐसा है या नहीं है? कौन कौन लोग ऐसे हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं आज के समय में? सर ट्राइबल्स। सो हाँ, रूरल ट्राइबल लोग, रूरल एरिया, रूरल ट्राइबल, नोमाडिक लोग। ओके, और पुअर। ठीक है, जो फाइनेंशियली पुअर, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी कम्स एट कॉस्ट। भाई आपको मोबाइल फोन चाहिए, पैसा चाहिए, लैपटॉप चाहिए तो उसके लिए पैसा लगेगा, इंटरनेट कनेक्शन पैसा लगेगा, बिजली के लिए पैसा लगेगा, हर चीज के लिए पैसा लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन भी नहीं है, है भी तो पता चला वहाँ बिजली नहीं आती। तो रूरल एरिया में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं जिनके पास पैसा है परंतु वहाँ बिजली नहीं है। ट्राइबल नोमैडिक लोग आपने बताए, वो लोग हो सकते हैं। और कौन लोग हो सकते हैं? Excuse me, sir, ये नोमैडिक वर्ड एक बार बता देंगे आप? नोमैडिक वर्ड होता है, नोमैडिक लोग ऐसे होते हैं जो घुमंतु, घुमंतु बंजारे टाइप को, बंजारा भी बोलते हैं हम उसको, पर घुमंतु हिंदी में, शुद्ध हिंदी में जैसे शब्द है, जो अपना एक स्थायी स्थान बना के नहीं रहते बल्कि एक नोमैडिक लाइफ जीते हैं। और कौन हो सकता है इसके अलावा? डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल डिवाइस, एक्सेस नहीं हो क्या इंटरनेट एक्सेस? क्षेत्रीय फर्क हो सकते हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती है,
अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हमारे देश में, क्योंकि ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंग्लिश में काम करता है, कम से कम कीवर्ड आपको पता होने चाहिए, तो आपको इंटरनेट चलाना मुश्किल हो जाएगा। अनएजुकेटेड लोग हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं? फैमिली के अंदर भी है एल्डर, जो एल्डरली लोग हैं और 40-50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और इसमें जरूरी नहीं है कि सभी गरीब हो। ये एल्डरली लोग हो सकते हैं कि इनके पास बहुत पैसा हो, या अनएजुकेटेड लोग, जैसे हमने लाला जी की बात की थी कि लाला जी के पास पैसा बहुत है, वो एक नहीं 10 मोबाइल खरीद सकते हैं, परंतु उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। एल्डरली लोग बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनके पास सब कुछ है, पैसा भी है, बेसिक एजुकेशन है, परंतु वो टेक्नोलॉजी की चीजों को नहीं चला पा रहे। अब जिसके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान है और जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसको क्या फायदा नुकसान हो रहा है? सर जिनके पास है वो लोग सर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, दूसरे रीजन, दूसरे इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी सबसे कनेक्ट हो रहे हैं, और जो नहीं हो पा रहे हैं वो लोग। अब सोचिए कि एक बच्चा है, कोई आदमी है, उसके पास इंटरनेट नहीं है, उसको क्या क्या नुकसान है आज के टाइम में? वो इंटरनेट नहीं चला सकता, उसे चलाना नहीं आता, वो जानता नहीं है कैसे करना। तो सर जैसे लॉकडाउन में जो हो रहा है, एक कम्युनिकेशन से हट जाएगा, वो जो वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन मीडिया है, सोशल मीडिया है, उससे हट गया। इंफॉर्मेशन नेटवर्क, अभी आप लोग, जब मैं क्लास में ज्वाइन कर रहा था तब आप लोग उत्तराखंड के फॉर्म की बात कर रहे थे, अब अगर जिसके पास इंटरनेट नहीं होगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि पब्लिक बात क्या कर रही है, नहीं तो फेसबुक ज्वाइन करेगा, व्हाट्सएप ज्वाइन करेगा, तो तुरंत उसे पता चलेगा कि नई नई चीजें क्या हो रही है, उसको नहीं पता, आज भी नहीं पता। बैंकिंग, ठीक है, आज के समय बैंकिंग करने में बहुत ज्यादा योगदान है हमारे इंटरनेट का। आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, ऑनलाइन रिसीव कर लेते हो, वो बेचारा इससे वंचित, उसे पैसे की जरूरत होगी तो उसे फिजिकल नोट की ही आवश्यकता होगी। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हर क्षेत्र में वो लगातार पीछे होता जाएगा। तो ये सारा एक बहुत बड़ा तबका है जो इस टेक्नोलॉजी के डिवाइड की वजह से, डिजिटल डिवाइड की वजह से पीछे छूट रहा है, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मैं हर साल महसूस करता हूँ, कुछ बच्चे केवल इसलिए क्लास छोड़ देते हैं क्योंकि उनके यहाँ इंटरनेट नहीं आता घर पे। अच्छा, गांव के जो बच्चे होते हैं, गांव देहात के, हम में से ज्यादा बच्चे अभी जो रह गए होंगे वो ऐसे होंगे जो शहरी इलाकों के हैं। गांव में ज्यादातर इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट नहीं आता, जो हमारे ऑनलाइन कोचिंग के लिए जरूरत होती है, तो वो बेचारे रह जाते हैं। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है, ये लोगों के लिए बहुत परेशानी का सबब है, और एक नई तरीके की वर्ग व्यवस्था ये क्रिएट कर रहा है। नई क्लासेस क्रिएट हो रही हैं जिसके अंदर में कुछ लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, और उन्हीं से, उन्हीं को हैंडल करने के लिए, उन्हीं को ठीक करने के लिए ये काम है, स्वयं नाम की स्कीम है, जिसमें ऐसे स्टूडेंट जो डिजिटल डिवाइड से प्रभावित हैं, उनके बीच के इस गैप को खत्म किया जाए और भारत को एक नॉलेज इकोनॉमी बनाया जाए। अगली स्कीम हमारे सामने है दीक्षारंभ, ठीक है। दीक्षा आरंभ एक स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है, दीक्षा आरंभ, जो UGC के द्वारा चलाया जाता है। दीक्षा आरंभ परामर्श, ये NAAC नेशनल एक्रेडिशन एंड असेसमेंट काउंसिल के द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है हायर एजुकेशन के लिए, NEC। फिर एक ये है UDISE, UDISE जो भी बोलेंगे, क्वालिटी क्रेडिबिलिटी और टाइमली अवेलेबिलिटी स्कूल में हमारी रहे, इसके लिए ये कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को GIS मैप्स के जरिए से सबको एक जगह पर लाया जा रहा है, वो है UDIS दीक्षा। दीक्षा प्लेटफॉर्म, जिसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर टीचर लर्न कर सकें, ट्रेन कर सकें और टीचर कम्युनिटी के साथ एक दूसरे से जुड़ सकें,
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये हमारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है जिसके अंदर में बहुत सारे इंडिकेटर हैं, 70 इंडिकेटर हैं, जिससे हम स्कूल एजुकेशन सिस्टम को ग्रेड कर सकें कि क्या उनकी अपनी अचीवमेंट है। स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन, स्कूलों के अंदर में ऐसे गार्डन्स डेवलप करना जहां उन्हें न्यूट्रिशन की, बेहतर पोषण की, सब्जियों की, हर्ब्स की, फलों के बारे में जानकारी दी जा सके, और इसी को इस्तेमाल हम फिर मिड डे मील स्कीम के लिए भी हम कर सकें। तो ये है हमारा क्या नाम था, गार्डन, कौन सा गार्डन, न्यूट्रिशन गार्डन। कला उत्सव, उस सब हमारे को भीतर जो एजुकेशन और लिटरेसी और खासतौर में एस्थेटिक और आर्टिस्टिक एक्सपीरियंसेस को बेटर करने के लिए, जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनको विकसित करने के लिए ये कला उत्सव कार्यक्रम है। राइज, रीवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, शिक्षा के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे दोबारा से रिवाइटलाइज किया जाए। हायर एजुकेशन का, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें हैं उनको बेहतर की जाए, बिल्डिंग को बेहतर किया जाए, टीचिंग इक्विपमेंट्स को बेहतर किया जाए। हैफा, हैफा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी है जिसका उद्देश्य है सभी जो सेंट्रली रन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, पैसा प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने दम पर, अपने बल पर एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर सकें। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, ऐसे लोग जो IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर, अगर कोई आप में से PhD करता है, किसी कटिंग एज साइंस पर रिसर्च करता है, तो ऐसे बच्चों को 70,000 रुपए का फेलोशिप 2 साल के लिए, उसके बाद 75,000 और चौथे पांचवें साल में 80,000 का फेलोशिप दिया जाए। इसके अलावा रिसर्च ग्रांट 2,00,000 रुपए का रिसर्च ग्रांट 5 सालों के लिए अन्य एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए दिया जाए। आप में से भी कुछ लोग इस स्कीम में कोशिश करें कि आगे फर्दर, अगर आप में से कोई एमटेक है तो ट्राई फॉर PhD, जिसमें ये रिसर्च फेलोशिप स्कीम का आप लाभ उठा सकें। इम्प्रेस, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, ठीक, हमारे सोशल साइंस के अंदर में इम्पैक्टफुल रिसर्च बहुत कम हो पाती है। सोशल साइंस जो हमारा क्षेत्र है, हम जो जन कल्याण, मतलब जो हमारा सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है, इसके अंदर रिसर्च कम है। तो ऐसे 1500 रिसर्च को, रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा 2 साल के लिए इस कार्यक्रम के तहत, इम्प्रेस स्कीम के तहत। स्पार्क स्कीम, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, स्पार्क, जिसमें हम अपने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रिसर्च कोलैबोरेशन इंडियन और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बीच में स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये इसका स्पार्क स्कीम है, और जिसमें 100 NIRF, NIRF, व्हाट इज NIRF, ये जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं भारत के, उनके, भारत के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका एक रैंकिंग, एक रैंकिंग सर अभी सेंड किया हुआ है। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो ये रैंकिंग फ्रेमवर्क है जिसके तहत हम अपने इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग स्थापित करते हैं। व्हाट इज QS रैंकिंग, QS रैंकिंग एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म है जिसमें हम पूरे अंतरराष्ट्रीय, पूरी दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रैंक करते हैं। ऐसे ही हमने अपने देश में ये NIRF NIRF कार्यक्रम शुरू किया है। लीप इनिशिएटिव है, लीडरशिप फॉर एकेडमिक्स प्रोग्राम, लीप,
लीडरशिप और एकेडमिक्स की, हम एकेडमिक्स के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करें और लीडरशिप डेवलपमेंट, टीचिंग के क्षेत्र में लीडरशिप डेवलपमेंट पर फोकस करें, इसके लिए काम किया जाए। तो ये हमारा एक और काम है, लीप इनिशिएटिव। देन वी आर मूविंग अहेड टू अर्पित इनिशिएटिव, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। हमारे टीचर्स को सालाना रूप से रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाए ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें हम 15,00,000 हायर एजुकेशन फैकल्टी को स्वयं प्लेटफॉर्म के द्वारा कनेक्ट करें और उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। तो दिस इज अर्पित। इसके अलावा ये नेशनल रिसोर्स सेंटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल को बनाने के लिए, नेशनल रिसोर्स सेंटर्स। स्वयं, जो ऊपर भी बात हो रही थी, स्वयं बेसिकली जैसा ये हमारा इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है वैसा ही वही प्लेटफॉर्म है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का एक प्लेटफॉर्म है फॉर स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम, ये आईटी बेस्ड स्टूडेंट फाइनेंशियल एड अथॉरिटी है उसके लिए काम करने वाला, NSDL के द्वारा मॉनिटर्ड कार्यक्रम है, मॉनिटर्ड स्कीम है जो आईटी बेस्ड फाइनेंशियल एड्स स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम। NSDL, अगर NSDL की बात करें तो NSDL 1995 में भारत में स्थापित किया गया था, एक महत्वपूर्ण नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये इस संस्था का नाम है, 1995 में स्थापित किया गया था। NSDL जो हमारी UIAIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार की बेसिक संस्थान है, उसके लिए भी काम करती है, उसकी डाटा सिक्योरिटी रिपोजिटरी क्रिएट करती है ये NSDL। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को पहचान करना, उनकी पहचान करना जो हमारे इम्पोर्टेंट एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे प्रमुख इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि हमारे देश के जो संस्थान हैं, हमारे देश की जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो अधिकांशतः भारत दुनिया के 500 यूनिवर्सिटीज के अंदर भी रैंक नहीं कर पाती। हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी पुअर होने के कारण हम दुनिया की जो बेस्ट भी छोड़िए 500 यूनिवर्सिटीज के अंदर भी हम नहीं आ पाते, और ये हमारे लिए थोड़ी सी निराशा की बात है इतना बड़ा देश होने के बाद। तो हमारा ये एफर्ट है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा संस्थान इस श्रेणी में आए और इंटरनेशनली भी एक स्टेटस एक्वायर करें। तो ऐसा करने के लिए कुछ संस्थानों को अपनी जो फीस स्ट्रक्चर है कि वो कितना फीस लेना चाहते हैं उसकी कुछ फ्रीडम दी गई है, अपना करिकुलम वो खुद तय करें, डोमेस्टिक और फॉरेन फैकल्टी को अपनी समझ का जिसको ठीक समझे उसे अपॉइंट करें। इसके लिए 10 नेशनल और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को चुना गया है और इनको 1,000 करोड़ का ग्रांट जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दिया जाएगा इस नेशनल एमिनेंस स्कीम के, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम के तहत। इसके अंदर वो 30% तक फॉरेन स्टूडेंट को रख सकते हैं और 25% तक फॉरेन फैकल्टी को हायर कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट के भीतर में।
वो अपने 20% तक के कोर्सेज जो है ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, इनको अपने जो रेस्ट्रिक्शन है किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वो अपनी फीस कितनी फॉरेन स्टूडेंट से लेते हैं वो ये तय कर सकते हैं। ये जो 10 संस्थान हैं जो इस स्कीम के लिए चुने गए हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन, वो है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IIT दिल्ली, मुंबई, मद्रास, खड़गपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, BHU, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जादवपुर यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी। इन 10 पब्लिक इंस्टीट्यूशन को 1,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा फॉर अपग्रेडिंग देयर एजुकेशनल फैसिलिटीज, और जिससे कि वो अपने आप को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बना सके। 10 इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, बिट्स प्लानी, माहे कर्नाटक, जियो इंस्टीट्यूट, अमृता विश्वविद्यापीठम तमिलनाडु, वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जामिया हमदर्द, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भारती इंस्टीट्यूट, सत्य भारती फाउंडेशन, शिव नाडर यूनिवर्सिटी। तो इन यूनिवर्सिटीज को इसके अंदर में चुना गया है। आगे है समग्र शिक्षा स्कीम। समग्र शिक्षा स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और जो पहले की 3 स्कीम्स हैं जो कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन अभियान, इन 3 को इसके अंदर समग्र शिक्षा अभियान के अंदर जोड़ा गया है, और इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान और इस वाले हिस्से पर हमें थोड़ा सा ज्यादा जोर देना है। तो ये हमारा आज तक का कार्यक्रम हुआ, और आज की क्लास को अभी हम यहाँ रोकते हैं, और जो काम हमारा था ग्रुप बनाने का, वो ग्रुप बनाने का काम अब हम कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे आप लोग अपने अपने नाम बताओ कि मैं ऐड करता जाऊं और साथ साथ आपका ग्रुप अभी बनाता जाऊं। मुझे 2 मिनट का ब्रेक दो, मैं अपना मोबाइल फोन वगैरह तय कर लेता हूं। आप लोग अपने ग्रुप लीडर्स तय कर लो कि कौन कौन ग्रुप लीडर्स होंगे। हाँ बोलो दीपक। सर मैं ये बोल रहा था कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है, तो मैं अब निकलूंगा। हाँ निकल जाओ दीपक, तुम्हें मैं एक ग्रुप का लीडर बना दूंगा। ठीक है, हम ऐसा करेंगे अभी हम लोग जैसे 30-35 जितने लोग हैं उनमें से 5-5 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, और कुछ कुछ एक्टिव लोगों को हर एक ग्रुप में लीडर बनाएंगे। वो लीडर आप लोग अभी क्लास छोड़िएगा मत प्लीज, 10 मिनट और रुकिए, तो उसको हम बना देते हैं जिससे कि आप उस ग्रुप में अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप को इनिशिएट कीजिएगा, और ग्रुप लीडर की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ग्रुप लीडर अपने अपने लोगों को बाकी और भी स्टूडेंट से बात करेगा जिनके नंबर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अभी 5 स्टूडेंट होंगे, फिर मैं आपको 15 नंबर और दूंगा, आप उनसे बात कीजिए कि भाई हम ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो आपका स्वागत है। तो मुझे अभी सिर्फ आपके ग्रुप लीडर्स के नंबर चाहिए ताकि मैं वो 6 ग्रुप बना दूँ और मैं उसमें डिवाइड कर दूँ। तो मुझे बस हमारा ग्रुप 1, ग्रुप 1 में कौन लीडर बनेगा? लेट्स से सैफ। सैफ तुम्हें ग्रुप बना लीडर बनाए ग्रुप 1 में? ठीक है, यस सर। एक और लीडर अभी हम वैकेंसी रखते हैं उसकी ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में लेट्स से चंद्रा, एक और नाम सैफ एंड दीपक। दीपक को हम सैफ दीपक, ये दो लोग ग्रुप 1 में, चंद्रा एंड अरुण। अरुण आपको ग्रुप 2 में, मैं आपको और चंद्रा दो लोगों को मैं ग्रुप, आप लोगों का ग्रुप है, आप लोग जो चाहे उसमें अंदर कर सकते हैं, मेरा उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगा। मेरा दखल इसी इतना ही है कि आप लोग ग्रुप बनाएं और ग्रुप बना के अपना सेल्फ स्टडी कार्यक्रम शुरू करेंगे। उसके अंदर आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि एक सेल्फ स्टडी कार्यक्रम उसके अंदर बन जाए। ग्रुप थ्री में हम रख सकते हैं लेट मी से, जो बनना चाहे वो भी अपना नाम पहले दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं। आई वुड लाइक टू, क्या नाम आप? विनय। विनय, यस सर। ठीक है विनय, आप ग्रुप 3 में। एक और कोई? और जयंत। जयंत आपको मैं ग्रुप 4 में दूंगा। ठीक है,
सबको अलग अलग इसलिए रखना चाहता हूँ कि हर एक में कुछ कुछ ऐसे लोग रहे, मतलब वैसे सारे लोग अच्छे हैं बट कुछ ये क्या हो गया ओके जयंत ग्रुप फाइव में और कौन है प्रवीण सर प्रवीण सर ठीक है प्रवीण और एक ग्रुप सिक्स फिर मैं सेकंड लेवल पे लोगों को नाम ले लूंगा ग्रुप सिक्स में किसको रखा जाए एक और लीडर का नाम बताइए सर साक्षी बनेगी क्या साक्षी यस सर ठीक है तो साक्षी मैं टीम बना देता हूँ ठीक है विनय ग्रुप थ्री में साक्षी आप रहोगे विनय और साक्षी ग्रुप थ्री में देन एक और बताओ ग्रुप सिक्स के लिए बताओ नाम चंदन चंदन ओके मैं अपने से पकड़ूंगा उससे अच्छा तो आप बोलोगे तो और अच्छा रहेगा चंदन हो गए अब दो और लड़कियों को डालेंगे क्या नाम दीपक कुमार दीपक दीपक एक अच्छा वो आप दूसरे दीपक प्रियंका 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 को मैं डाल देता हूँ यहाँ पर प्रियंका गुड और दीपक प्रवीण के साथ एक और नाम चाहिए सर नीतीश तानिया नहीं मैं लड़की को लेना आप लोग अपने अपने ग्रुप में मैं डाल दूंगा आपको आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप के साथ ऐड कर दूंगा ओके और मैं इनको कुछ सजेस्टिव नेम दे दूंगा वो लोग आपको अपने आप आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे या मैं ग्रुप में पांच पांच या बता दीजिए ग्रुप वन में अब ये ग्रुप का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया अगर आप में से किसी का कोई प्रेफरेंस है कि कोई ग्रुप वन में जाना चाहता हो वो बताए वन के लिए बताओ पर मेरे पास सबके नंबर नहीं होंगे आप में से अभी मैं इतने ही बनाता हूँ इन ग्रुप लीडर्स को बना देता हूँ ठीक है ये ग्रुप लीडर्स की जिम्मेदारी होगी कि आप आगे अपने टीम के लोगों को ऐड करेंगे ठीक है जो बच्चे स्टूडेंट्स ऐड क्लास कर रहे हैं उसकी लिस्ट के हिसाब से हम उसमें ऐड कर देंगे तो अभी मैं आज ये काम अभी कर दूंगा ठीक है तो सर, अभी एक्सक्यूज मी सर हाँ बोलो सर ग्रुप का सर कुछ बेसिस भी होगा जैसे कि सर मीडियम इंग्लिश मीडियम या फिर ऑप्शनल कोई मीडियम नहीं होगा देखो ग्रुप का ऑप्शनल देखो ऑप्शनल के लिए तो मैं अलग तैयारी करनी पड़ेगी अभी हमारे इतने लोग नहीं हैं कि हम ऑप्शनल के लिए अलग ग्रुप और अगर तुम्हें लगता है हम ग्रुप में डाल सकते हैं आप अलग एक और ग्रुप भी बना सकते हो इट्स नॉट दैट कि भाई अगर आप इस ग्रुप ये सारे ग्रुप जनरल स्टडीज के लिए काम करेंगे और आप लोगों की अपनी इच्छा के अनुसार भी काम कर सकते हैं मैं इन ग्रुप में डाल भी दूंगा कि ग्रुप वन में ये टीम लीडर है आप अपने नाम को सजेस्ट कर सकते हो कि मैं इस ग्रुप में रहना चाहूंगा मैं उस ग्रुप में रहना चाहूंगा वो आप ऐड कर सकते हो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है पर इसका उद्देश्य ये रहेगा कि आप लोग खाली ग्रुप बनाने का मतलब नहीं है कि ग्रुप बन गए हर ग्रुप को ये रिपोर्ट भी देनी होगी कि हमने इतने हर रोज डेली 3 घंटे सेल्फ स्टडी का मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए ग्रुप स्टडी का 3 आवर्स ये आपका कम से कम एक टारगेट होगा हर ग्रुप को क्लास के अलावा जैसे हमने 1.5-2 घंटे क्लास की उसके अलावा 3 घंटे रोज आपके सेल्फ स्टडी के आने चाहिए आप लोगों के जो टीममेट्स हैं उनको ये अधिकार रहेगा वो आपके लिए लिंक बना देंगे आप अपनी पैरेलल पढ़ाई अपने पैरेलल डिस्कशंस कीजिए एकजुट होकर एक साथ मिलकर आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है ओके सर जी सर भारती आपको किस ग्रुप में दे दिया जाए ग्रुप फाइव में आपको मैं डाल दूं भारती यस यस सर भारती को मैं ग्रुप फाइव में डालता हूं और कोई रह गया हो तो अपना नाम बता देना और ये आप लोगों की टीम लीडर्स की जिम्मेदारी है कि डेली 3 घंटे ये क्लास हो पढ़ाई हो ठीक है तो अभी हम यही रोकते हैं आज की क्लास को और फटाफट से ग्रुप बनाने का काम करते हैं ठीक है धन्यवाद आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और मे बी हम कल तक मैं सोच के बताऊंगा कि हम लोग वो ब्रेक कब से ले रहे हैं मैं कुछ ब्रेक लेना चाह रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा एनर्जाइज कर पाऊँ अपने आप को ज्यादा प्लान कर पाऊँ ठीक है सर मेन रोल ऑफ टीम लीडर टीम लीडर का रोल क्या होगा टीम लीडर का रोल होगा कोऑर्डिनेशन का
आपको सभी को के साथ कोऑर्डिनेट करना है कि भाई क्लास हमें करनी है, क्लास को फिक्स करना है, क्लास के टाइमिंग्स को तय करना है आपसी सहमति के बाद एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलते हुए कि ये टाइम सबके लिए सुटेबल रहेगा। कोशिश करें कि आपसी विवाद ना हो और फिर क्या आगे आप विषय पढ़ने जा रहे हैं वो सारी चीज़ों को तय करना आपके टीम लीडर्स का की जिम्मेदारी, आपसी जिम्मेदारी रहेगी। मूल उद्देश्य ये है कि हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी किसी तरीके की नेतागिरी करना या कोई मॉनिटर बनाना वो उद्देश्य नहीं है। बस ये है कि आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाना। हम बहुत बड़े ग्रुप में जो है कलेक्ट सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो छोटे छोटे आप लोग 5-7 लोगों का एक ग्रुप रहेगा, आप उसमें बेशक 15 लोग रख लीजिए, सारे लोग क्लास रेगुलर करेंगे नहीं, तो जो लोग रेगुलर करें आप लोग मिलकर अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है सर, वन क्वेश्चन मोर सर। बोलो। ये जैसे कि सर जो टीम लीडर होगा या टीम के जितने भी सदस्य होंगे वो टॉपिक अपने आप चॉइस करेंगे अकॉर्डिंग आपके, जैसे कि मान लीजिए आप क्लास कर ली तो के अनुसार ही हम टॉपिक। मेरा कहना ये रहेगा कि एक काम करेंगे, हम सब्जेक्ट को पहले तय कर लेंगे, मान लीजिए हमने दिन तय कर दिए, हम टॉपिक डिसाइड नहीं करेंगे। लेट्स से कोशिश ये करें कि क्लास के पैरेलल चलने की कोशिश करें, जैसे अभी हम लोग मान लो स्कीम्स कर रहे हैं या करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने डिस्कशन ग्रुप में कोशिश करो कि स्कीम्स करो, रादर थोड़ा पहले कर लो। जैसे आप लोगों को अब मेरा, मैं आपको बता देता हूँ, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू करूँगा, तो अगर आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले से ही थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लोगे तो क्लास में ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको समझने में और मुझे समझाने में। तो क्लास के साथ कोशिश करो थोड़ा आगे रखते हुए कि हम उसके पहले चले। इसके अलावा आपके पास अपनी इच्छा है, आपका सब कुछ डेमोक्रेसी रहेगी और आप लोग आपस में करो, पर हाँ कोशिश ये करो कि क्लास के साथ मिलते हुए, मिलकर चलते हुए ये काम किया जाए। ठीक है, थैंक यू सर। जी 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 सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ सर।